श्रीमती रामानुजाय नमः। हमारी अंतर्गत इच्छा का प्रोत्साहन और इच्छा का सफल प्रगति के लिए जो शक्ति आवश्यक है, वो शक्ति से घटित और भद्द शब्दों का आकर को हम मंत्र बोलते हैं। हमारी अभीप्सित दिल में जो वांछित अभिप्राय नहीं तो पुरुषार्थ है, वो फल है, वो फल प्राप्ति के लिए जितना शक्ति हमारे अंतर्गत है उससे ज़्यादा शक्ति चाहिए। इच्छा तो बहुत है, योग्यता तो बहुत कम है ना, इसलिए वो अर्हता तो हमको अवश्य बाहर से लेना चाहिए। वो अर्हता लेने के लिए बहुत सारा उपाय शास्त्र में बता दिया है, जिसमें एक शब्द प्रमाण नहीं तो शब्द उपाय को मंत्र बोलते हैं। जिस शब्दों का निरुपाधिक स्वतः सिद्ध शक्ति एक वाक्य में संगठित है, जिस वाक्य को हम मंत्र बोलते हैं, जो शब्द में शक्ति भरित है वो शब्द को हम बीज बोलते हैं, जो वाक्य में शक्ति भरित है वो वाक्य को हम मंत्र बोलते हैं, जो आत्मी में वो शक्ति भरित है उनको सिद्ध बोलते हैं, जो उसका आकार और मूलभूत उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए शक्ति शक्ति में ना एक काम करने के लिए जो अत्यावश्यक प्रेरण प्रक्रिया उसको हम शक्ति बोलते हैं। इसलिए पहले मंत्र का परिचय हुआ है, मंत्र का उपदेश तो पहले बार कोई भी नहीं देंगे, कुंडली देख के बिना आदमी को देख के बिना शादी तो कोई भी नहीं करवाएंगे, पहले तो मंत्र का परिचय करना चाहिए। परिचय में यदि सिद्धि होगी फिर वो मंत्र का अर्थ और मंत्र का जो स्वरूप का भाव इसका सब परिणाम का व्याख्यान करेंगे, उसको बोलते हैं प्रावीण्य। पहले हम करते हैं परिचय, दूसरा हम दे देंगे प्रावीण्य, जो जो मंत्र भी बता दिए वो मंत्र का अर्थ काल ये सबको बताना चाहिए, जिसके बिना केवल शब्द मात्र उच्चारण से पूर्ण फल हमको तो नहीं मिलेगा, इसलिए वो दूसरा प्रावीण्य है। और तीसरा स्थान में तो उपदेश, जितना भी हो आचार्य के अंतर्गत प्रतिष्ठित एक शक्ति है वो आचार्य का खुद आमनाय वो वचन से बोलना है, और दक्षिण खान में तो बोलना चाहिए, वो खान में बोल के सक्रम धर्म के साथ बैठ के वो सबको मंत्रोच्चारण उसका प्राण प्रतिष्ठा तो अंतर्गत शक्ति उसका प्रतिष्ठापन के लिए एक आचार्य का संबंध तो अवश्य होना चाहिए। इसलिए वो आंतरिक प्रतिष्ठा के लिए उपदेश तो तीसरा नहीं तो अंतिम स्थान है, अंतिम प्रक्रिया है। इसलिए पहले आपको परिचय हम दे दिए, इसके बाद तो इसमें प्रावीण्य होना चाहिए, इसके बाद एक एक और वो प्रतिष्ठा करने के समय में उपदेश करने के समय में ऐसे सबको बुला के नहीं कर सकते, जो वो मंत्र में अभ्यास किए हैं, जो अभी तो आप मंत्र का कंठस्थ किए हैं, आपका मंत्र की स्मृति के बारे में आप तो प्रकट कर लिए, लेकिन अर्थ और भाव भी समझ के वो भी हमको प्रकट करना चाहिए, जिससे उपदेश का मार्ग में चलेंगे। उपदेश होने के बाद आप खुद सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ आप बैठ सकते हैं, हम वहाँ बैठ के सुनेंगे, ऐसा तो होना चाहिए ना। माँ बाप तो बच्चे को पकड़ के मंदिर जाते हैं उनका छोटी उम्र में, फिर वो बूढ़े होने के बाद ये बच्चे लोग पकड़ के मंदिर में घुमाते हैं ना, ऐसे एक दिन आप भी हमको कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको इतना संतुष्टि है, मुझे ये भी डर लगा कि एक बहुत बड़ी गोष्ठी में हम ऐसा प्रकटन किए हैं कि मारुति पड़ेकर हमारा शिष्य हो, यदि वो नहीं करेगा तो हमारा प्रकटन तो निष्फल हो जाएगा। शिष्य का लक्षण है ज्ञान को लेना, ज्ञान को पूर्ण रूप में लेना, जो ज्ञान वो लिया है दूसरों को वो ज्ञान खिलाना, फिर ऐसा ज्ञान की परंपरा की उत्पादन करना, ये सब ये इस शिष्य का लक्षण है। खुद लेना समझना पूर्ण लेना, सब लोग हमारे पास लेते हैं एक एक दिन, आज वास्तु के बारे में, कल आयुर्वेद के बारे में, कल शाम इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट के बारे में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में और शाम को फूड और मैनेजमेंट में कुछ लोग वो लिखते रहते हैं, लेकिन एक ही एक विद्या, बहुत विद्या की जानकारी किसके लिए, विद्या गौरव आचार्य गौरव और ब्रह्म गौरव के लिए। बहुत विषयों क्यों, इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत विषयों का श्रवण नहीं करना है, बहुत विषयों का श्रवण करना ही चाहिए, किसके लिए, विद्या सब सुनने से आपको ज्ञान के पास एक गौरव और एक अच्छा अभिप्राय होगा, ये तो विद्या गौरव और ज्ञान गौरव है,
बहुत विषयों एक आदमी से बार बार सुनने से, बहुत लोगों से सुनने से हमको विद्या के ऊपर, ज्ञान प्रतिभा के ऊपर हमको एक गौरव बुद्धि आ जाएगी। फिर जो बोलते हैं आचार्य लोग, तो ये नहीं, हम ऐसा कुछ ना कुछ समझ के हम घूमते थे, असली रूप में विद्या ऐसा कुछ है, वो हमसे बहुत अतीत और ऊपर है, ऐसा विद्या के बारे में कुछ जानकारी और गौरव मिलेगा। और आचार्य हो कुछ कहानी बोलने वाला नहीं है, इनके पास कुछ समाचार है वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए आचार्य के पास गौरव होगा। और इतना विद्या है और इतने आचार्य है, ये सबको सृष्टि करके निर्माण करने वाला हो तो बहुत बड़ा आदमी होगा, ऐसा ब्रह्म वस्तु के बारे में गौरव होगा। इसलिए बहुत विषय सुनना चाहिए, किसके लिए? विद्या गौरव के लिए, आचार्य के पास गौरव के लिए। आचार्य के पास हम तो गौरव है, हमारे ऊपर तो बहुत आचार्य प्रेम दिखाते हैं, हम भी आचार्य के ऊपर बहुत गौरव दिखाते हैं, लेकिन हम दिल से बोलना चाहते हैं आचार्य जितने पूजनीय है उतनी पूजा हम नहीं कर रहे हैं, जितना गौरवनीय है उतना गौरव बुद्धि हमारे पास नहीं है, इसलिए जितना हम दे रहे हैं वो सब तो पर्याप्त नहीं है, वो सब हम तृप्त नहीं होना चाहिए। आचार्य बहुत बड़ा है और विद्या बहुत बड़ी है और ब्रह्म वस्तु बहुत बड़ा है, वो जितना बड़ा है जितना हमारे ऊपर कृपा रखे हमको कर रहा है उतना हम कृतज्ञता का निवेदन नहीं कर रहे हैं, उतना उसको नहीं समझ रहे हैं। हम जो गौरव पूजन अभिमान जितना कुछ कर रहे हैं वो सब लवलेश मात्र, इसका स्वरूप का पूर्णता और विकास के समझ के हम पूर्णता या कुछ भी नहीं दिखाते हैं, और कुछ बढ़ाना चाहिए, आगे कुछ इसको लगाने भी चाहिए, इसलिए सब कुछ सुनना चाहिए, वो तो एक विभाग है। दूसरा विभाग में हमारा यथेच्छा यथाविधि हमारा युक्त विद्या में पूर्ण अभ्यास होना चाहिए, बहुत कुछ सुनना ही चाहिए, सार रूप में सब कुछ लेना ही चाहिए ज्ञान, लेकिन हमारे लिए कुछ होना चाहिए ना। 10 गाड़ी है, कितने गाड़ी में एक सकते हो चल सकते हो तुम एक बार, एक समय एक ही गाड़ी में चल सकते हैं ना, बहुत कुछ सुनना चाहिए, मैंने बोला गौरववर्धन के लिए, लेकिन एक विषय लेके उसमें पक्व होना अच्छा है। एक शास्त्र ले लो उसमें पक्व हो जाओ, क्यों इतने बड़ा बुझ के अपक्व क्यों जाते हो, अतिपक्व क्यों जाते हो? इसलिए वो पूर्ण ज्ञान, इसलिए ज्ञान लेने वाला पूर्ण ज्ञान लेने वाला जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान को दूसरे वालों को भी विकसित करने वाला और ऐसे एक परंपरा का प्रतिष्ठापन करने वाला जो योग्य समर्थ इच्छुक और प्रोत्साह भरित गठित आदमी को हम शिष्य बोलते हैं। इसलिए शास्त्र में ये बताया है, एक शिष्य का लक्षण है, शिष्य मैंने गंभीर होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, धीर होना चाहिए। यदि ये शिष्य का लक्षण कुछ भी नहीं है, जिसके पास ये सब लक्षणों की प्राप्ति के लिए इच्छा है वो भी शिष्य है, वो भी शिष्य की योग्यता है, उनके ऊपर भी जिसके पास योग्यता है वो भी शिष्य है, और जिसके पास योग्यता नहीं है फिर भी इसका जो अनर्हता परिस्थिति प्रकार के लिए जिसके पास खेद है और अर्हता बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, जो दुखित है उसमें प्रवृत्त है, उनको भी हम शिष्य बोल सकते हैं। इसलिए होना चाहिए, नहीं तो होने के लिए दिल में इच्छा रुचि प्रवृत्ति और प्रयास होना चाहिए। यदि गुण होना चाहिए, नहीं तो गुणों के लिए खेद, अभाव से खेद, और वो होने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास, ये दोनों जिसके पास है वो परिश्रम पूर्वक आदमी को भी हम शिष्य बोल सकते हैं। इसलिए अभी जो मंत्र का परिचय आप ले लिए, इसलिए मैंने जो बोला पहला दीक्षा का वो कार्यक्रम में, वो सब तो सफल हो जाएगा, मेरा वचन को इन्हें सार्थ कर दिया, इसके आगे भी ऐसा सार्थ करने के लिए हम हमारा हार्दिक मंगलाचरण दे देंगे। इसलिए अभी हम कुछ संतुष्ट होके योग का अनेक रहस्य विषयों का, बहुत कुछ विषय है, सब कुछ हमारे लिए रहस्य ही है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए सब रहस्य ही होगा, लेकिन रहस्य का अर्थ यह है कि जो विषय उसमें जो निरत है, तत्पर है, विचार पवर है और प्रवृत्ति पर है, उनको भी जो जानकारी नहीं है वो विषय को हम रहस्य बोलते हैं। सामान्य विषय में ना अज्ञानी को लोगों को सब तो कुछ रहस्य ही है, है? एक आदमी गांव से आके वो हमारा वो चैनल को देखा है, वो टीवी का चैनल को देखा है, दूरदर्शन तो होगा वो गाँव में, लेकिन वहाँ तो ये पोगो चैनल कार्टून नेटवर्क ये सब नहीं था, नहीं होगा शायद, हम नहीं जानते हैं। वो देखे बताया, अरे क्या हमारे गांव में तो बिल्ली सब कुछ है लेकिन वो कपड़े नहीं पहनते हैं, इसमें सब कपड़े पहन के बात भी करता है, वो कहाँ से लेके आए हैं सब। वो टॉम एंड जेरी को देखे वो आदमी इसने बताया। इसलिए उनका तो कार्टून भी एक रहस्य है, बहुत बड़ा ब्रह्म रहस्य है। इसलिए अज्ञानी लोगों को जिसके पास विकास नहीं है, जिसके पास तो परिचय नहीं है, सब कुछ तो रहस्य ही होगा, लेकिन मैंने बोला रहस्य का अर्थ यह है कि
जिसको वो विषय में ज्ञान है, रुचि है, अनुभूति है, प्रवृत्ति है, अभ्यास है, उनको भी 10-15 साल की अनुभूति के बाद भी जो विषय समझने के लिए बहुत दूर है, अगण्य है, वो सब वस्तुओं को हम बोलते हैं रहस्य। इसलिए कुछ ऐसा तात्पर्य आज हम ढूंढना चाहते हैं। अप्लाइड मिस्टिक्स जैसा अंग्रेजी भाषा में अभी इन्हें बोले थे, मैंने उसको संस्कृत में बोला योग प्रयोग। ये विद्या का नाम क्या है? योग प्रयोग। एक साल के बाद 2000 कागजों में पुनरुक्ति के बिना योग का सब नया नया मर्म बहुत प्राचीन। एक आदमी ने मेरे पूछा मुझे, अरे क्या आप जो बोलते हैं बहुत बड़ा नवीन है, अति नवीन है। मैंने बोला ये तो अति प्राचीन है और बहुत दिनों के बाद आप तो सुन रहे हैं, बहुत सालों के बाद, बहुत शताब्दियों के बाद सुन रहे हैं, इसलिए आपको बहुत नवीन जैसा दिखता है, लेकिन वो तो अति प्राचीन है और आपका वैदूर्य से अभी अति नवीन जैसा दिखता है। आप ये सब मानते हैं सोचते हैं, इसलिए मैंने बोला आदि प्राचीन सब जो बताने वाले हैं वो अति प्राचीन। ऐसा एक पद्धति करना चाहिए जिसमें वो BSc BS ऐसा करने से वो BSc BS ऐसा नाम है ना, उसको भी शाप का विमोचन होगा। सब चीज़ों में BSc BS कुछ ना कुछ रखे, कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। इसलिए योग में ऐसा एक प्रक्रिया आना चाहिए जिसको किताब है, जिसमें प्रैक्टिकल अभ्यास है, अभ्यास कक्षा भी होना चाहिए, अध्यापन कक्षा भी होना चाहिए और विचार कक्षा भी होना चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। और इसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, जो हम कुछ बता रहे हैं अभी वो मंत्र के बिना सब विषयों का संकलन करके एक दिन इसका एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम होगा जिसमें ध्यानेश्वर योग केंद्र दुनिया का योग मार्गदर्शन के लिए एक प्रदीप जैसा, एक दीपाग्र जैसा ये तो हो सकता है, दूसरी गति नहीं है दुनिया के लिए। हम तो ये अत्युक्ति से नदी तो कुछ अर्थवाद से ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा विषय आज हम देखने वाले हैं। पहले हम जिससे शुरू करेंगे, भगवत कृपा से ही शुरू करना चाहिए। सब शास्त्र का प्रारंभ भगवान की कृपा है, कृपा के बिना तो शास्त्र नहीं है, क्योंकि भगवान का कृपा का प्रकटन ही शास्त्र है। यदि एक माँ है, बच्चों को जन्म दिए हैं, जो दूध नहीं देती वो तो माँ नहीं है। इसलिए भगवान ने जगत सृष्टि किया है और जगत को दूध दिया है, दूध खिलाया है, वो दूध तो शास्त्र है। इसलिए यदि भगवान शास्त्र से लोक का परिपालन नहीं किए हैं, संतों से भगवान को कोई भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं नमस्कार करेंगे, कोई भी भगवान को उसको प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, क्योंकि जो सृष्टि करके हम छोड़ के ऐसा निकल गए वो तो क्या माँ है वो। इसलिए भगवान का वात्सल्य, सौलभ्य, स्वामित्व, ऐसा सब गुण का परिपूर्णता कब हमको मिल सकती है? उनकी कृपा का निदर्शन निरूपण हमको होना चाहिए। निदर्शन निरूपण नहीं तो कहानी में, नहीं तो दिल में सोच के, कल्पना में भगवान का वो कृपा निरूपण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की कृपा का निरूपण तो तीन है, एक सृष्टि है, सृष्टि ही उनकी कृपा है, दूसरा तो शास्त्र है, तीसरा तो सिद्धि है। भगवान की कृपा यदि समझने के लिए आपको उपाय चाहिए, सृष्टि से कर सकते हैं। सृष्टि में दो वाद है, न्यायवाद, अन्यायवाद। अन्यायवाद क्या है? अरे भगवान यदि लोक का सृष्टा, सृष्टा मैंने जो सृष्टि की है, यदि भगवान लोक का सृष्टा और लोक का कारक होगा, लोक में कितना गड़बड़ है, है? कितना संकट है, कितना विपद है, कितना आपद है, इसलिए भगवान ने सृष्टि नहीं की, ये तो अन्यायवाद है। वो तो दुनिया में जो हो रहा है उसको देख के सृष्टि का निराकरण कर रहे हैं। यदि वो भगवान का सृष्टि होगी फिर इसमें ये सब नहीं होगा। और न्यायवाद में बोलते हैं, अरे देखो दुनिया में इतने दिया ने भगवान, सृष्टि से प्रपंच को देखो, प्रपंच से सृष्टि को नहीं देखो, क्योंकि सृष्टि तो पहले आई और प्रपंच का विकास तो दूसरे विकास है। सृष्टि तो पहले हुई, विकास तो दूसरा हुआ है, इसलिए सृष्टि से यहाँ देखो। इतना अच्छा समाचार हमको खिला के बना के जो दिए हैं वो इसका कारण कैसे हो सकता है? ये सब मानव कल्पित है, ये सब माया कल्पित है, ये जो जो हो रहा है वो सब हम बनाए हैं और भगवान ने ये मूलभूत सृष्टि को बनाया, ये तो न्यायवाद है। जो भगवान ये सुंदर सृष्टि को किया है वो भगवान, जो गड़बड़ हो रहा है, जो कलह हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय का मूल कारण वो कभी भी नहीं होगा, ये तो न्यायवाद है। अन्यायवाद तो जो इतना कश्मल है, जो इतना कश्मल हो रहा है, कश्मल भूत ये दुनिया की सृष्टि भगवान तो करता ना, कभी भी नहीं होगा, ये तो अन्यायवाद की दृष्टि है। इसलिए दुनिया सुंदर है, नियम संकल्प पूर्वक है, इसलिए भगवान तो सर्वकारक, ये सब दोषों का कारक हम ही है, ये तो न्यायवाद। अन्यायवाद में ये सब तो
लोक का सहज है, ऐसा लोक सहज कष्मलोक का सृष्टि करता भगवान कभी भी नहीं हो सकता है, ये तो अन्यायवाद है। ऐसा हम तो जानना चाहिए भगवान ने ये प्रपंच की सृष्टि करके ये सब वस्तुओं का संकलन करके हमको भोग्य स्थान दिए हैं, भोग स्थान दिए हैं, भोगोपकरण दिए हैं, भोग्य बुद्धि दिए हैं, भोक्ता दिए हैं, भोक्ता मैंने हमारा आत्मा और भोगोपकरण मैंने हमारे इंद्रियों और भोग्य स्थान मैंने ये प्रपंच और भोग्य के लिए साधन है जितना दिए हैं वो तंत्र का रूप में है। इसको क्या बोलते हैं प्रतंत्र, संस्कृत में टेक्नोलॉजी का पर्याय शब्द क्या है प्रतंत्र, प्रतंत्र मैंने टेक्नोलॉजी, अभी तो तंत्र तंत्र बोल रहे हैं, तंत्र तो टेक्नोलॉजी नहीं, प्रहर्षेण तंत्र इति प्रतंत्र, प्रतंत्र मैंने टेक्नोलॉजी, ऐसा प्रतंत्र दिए हैं, तंत्र दिए हैं, मंत्र दिए हैं, इतना सब कुछ दिए हैं भगवान। इसलिए भगवान की कृपा सृष्टि से समझ सकते हैं और भगवान ने सब उपाय हमको बता दिया, ऐसा जीवन चलाना, ऐसा खाना लेना, कैसा ये बनाना वो बनाना, सब कुछ हमको शास्त्र के रूप में दे दिया। इसलिए तो भगवान शास्त्र से वो कृपालु है। तीसरी तो ये शास्त्र विश्वास से, हमारी भक्ति से, यदि हम सिद्धि से देखेंगे, हम जानते हैं भगवान कैसा प्रेम का आकार है, सद्गुण का आकार है, कृपा का समुद्र है, वो स्वानुभूति से देख सकते हैं। इसलिए सृष्टि से प्रत्यक्ष दे सकते हैं, शास्त्र में विचार से देख सकते हैं, सिद्धि में अनुभूति से देख सकते हैं। तो भगवान की कृपा तो समस्त शास्त्रों का आधार है। भगवान की कृपा कैसी हो सकती है? भगवान की कृपा में तीन गुण है, क्षमा, अनुग्रह, निग्रह। जो माफ, कुछ गलत किया उसको माफ करना तो जानते हैं आप, क्षमा, कुछ को अच्छा बढ़ाने के लिए कुछ आशीर्वाद देना, प्रवर्षण देना, उसको अनुग्रह, उसको दंड देना, निराकरण करना तो निग्रह है। सब लोग उनके बारे में तो क्षमा मांगते हैं, दूसरे के बारे में तो दंड का इंतजार करते हैं। यदि गलती करेगा तो लोग क्या करते हैं, भगवान हमको क्षमा करना चाहिए, अब वही गलती दूसरे आदमी करेंगे तो अरे भगवान नहीं है क्या दुनिया में, उनको दंड नहीं दिया आज तक। इसलिए भगवान के पास ये तीन शक्ति है, आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने की शक्ति अनुग्रह है, पाप कर्मा जो है उसको रुकने के लिए निग्रह है, और जो पापकर्मी है उनको दूसरा एक संदर्भ देने के लिए क्षमा है। यदि एक पापात्मा है पुण्यात्मा बनाना चाहते हैं उनको दूसरा संदर्भ मिलेगा, वो संदर्भ तो क्षमा है। इसलिए दूसरा संदर्भ को क्षमा बोलते हैं, आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह बोलते हैं, जो पाप कर्म उनको पाप कर्मों का रोकने के लिए, निरोध के लिए जो शक्ति उसको निग्रह बोलते हैं। यह सब समझने के लिए शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने क्या किया, सब लोगों को शास्त्र नहीं दिया। यदि आप घर में 10 लोग हैं, यदि आप घर छोड़ के जाते हैं सब लोगों के पास विश्वास करके नहीं देंगे, वो सब लोगों में जो कुछ बुद्धि युक्त है, जो उम्र में बड़े हैं, जो कुछ प्रयुक्त है, वो आदमी के पास चाबी देके आप बाहर जाएंगे। ऐसा भगवान ने क्या किया, जो संस्कृत है, संस्कृत मैंने जन्म संस्कृत, क्रिया संस्कृत, गुण संस्कृत, ऐसा तीन बार, तीन प्रकार का आदमी है, जो जन्म से संस्कृत परंपरा से, जो क्रिया से संस्कृत और गुण से जो संस्कृत, उनके पास भगवान ने वो शास्त्र को दिखा के उनके पास देखे, तुम जो जो असंस्कृत लोग हैं उनका उद्धार के लिए, कल्याण के लिए काम करो, ऐसा देखे छोड़ के भगवान चल जाएगा। इसलिए जो जो ऐसा असंस्कृत लोग हैं, नहीं तो अल्प संस्कृत लोग हैं, उन सबका उद्धार के लिए भगवान ये शास्त्र सबका हाथ में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि शास्त्र का आवागमन, अनुष्ठान और प्रयोग वो लोग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने पक्षपाती नहीं है, पारपक्ष नहीं तो वैषम्य उनके पास नहीं है, 1000 आदमी में 5 आदमी को भगवान ने दिए और सबको नहीं दिए, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इतना शरीर में हमारा इंद्रिय और शरीर में साधन है, सिर्फ ये मुंह से खाते हैं और पेट को चल जाता है और बाकी को लिए कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है आँखों की खाना अलग है और खान में कुछ खाना डालना और नाके लिए अलग डालना, ऐसा नहीं है। वो तो पक्षपात नहीं है, एक ही स्थान स्वीकार करिए यहाँ है और एक ही स्थान इसका प्रतिष्ठापन और इसका विनियोग के लिए एक ही स्थान है, इसका नियोग स्थान यहाँ है, विनियोग स्थान तो यहाँ है। यहाँ पहुँचने से सब शरीर में जितने नाड़ी है, जितने सूक्ष्म नाड़ी है, जितने रक्त नाड़ है, सबके ऊपर वो चल जाएगा सबके अंदर। वैसा ही एक ऋषि, नहीं तो ये शास्त्र अधिकारी, एक सदात्मा, एक महान के पास जाने से वो तो मुंह और पेट के जो आकार सब जगह में विनियोग हो जाता है, वैसा भी वो ज्ञान का विनियोग वहाँ से हो सकता है। इसलिए ये अब समझना चाहिए कि भगवान ये शास्त्र को सब लोगों को दिए हैं, लेकिन एक आदमी को अधिकार देके उनसे सब लोगों का कल्याण के लिए भगवान ने दिया है। इसलिए योग शास्त्र में आप जानना चाहिए, योग शास्त्र ने भगवान आपका कल्याण के लिए दिया है।
यदि योग शास्त्र नहीं तो मनुष्य और जानवर ये दोनों का फर्क नहीं देख सकते कभी भी। मनुष्य में मनुष्यत्व प्राप्त होने के लिए और मनुष्य में मृग गुणों से विमुक्ति होने के लिए, मनुष्य का अंतर्गत दिव्य आत्मस्वरूप का विकास के लिए और मानव सब मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो योग का ज्ञान दुनिया के लिए बहुत अत्यावश्यक है। आदमी होने के लिए योग का अभ्यास तो बहुत अलग है, नहीं तो वो तो जानवर जैसा हो जाएगा। इसलिए योग का प्रदान तो साक्षात भगवान हमारा उद्धार के लिए दिए है, वो तो वो क्षमा का लक्षण है। इसलिए अभी हम ये बोलना चाहते हैं कार्याकार्य व्यवस्था ज्ञान। क्या बोलते हैं? कार्याकार्य व्यवस्था ज्ञान। हम कुछ न कुछ करके देखते हैं, ओ आग को स्पर्श करने से दहन होगा, ऐसा कुछ न कुछ करके हम समझते हैं, तो करने के बिना हम नहीं जानते। और बहुत कुछ करते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में जो होगा उसका स्थूल भाव हम नहीं समझ सकते। इसलिए जो करना है जो नहीं करना है वो सब दूरदृष्टि और ज्ञान दृष्टि होना चाहिए, वो दृष्टि शास्त्र की दृष्टि ही है। इसलिए कार्याकार्य व्यवस्था बोलते हैं। और कार्याकार्य व्यवस्था सब लोगों को नहीं मिलेगा, इसको शास्त्र में बोलते हैं, वो बहुत हसनीय विषय भी है। इसको आदि आश्रयन, मध्याश्रयन और अंताश्रयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आध्याश्रयन, मध्याश्रयन, अंताश्रयन। जो प्रारंभ से सुसंस्कृत है वो लोग आदि से ही योग और वेदांत के मार्ग में ही आ जाएंगे। जो बहुत अनुग्रह पात्र भूत है वो पहले से ही योग मार्ग में आ जाएंगे। बाकी लोग कुछ दूर यहाँ वहाँ घूम के, अभी हमारा भारत लोग है ना, जो हमारा भारत में संत लोग हैं वो तो आदि आश्रित है। क्या नाम है? आदि आश्रित। और जो कुछ लोग हैं अभी भारत में, बहुत लोग हैं, वो बहुत यहाँ वहाँ घूम के अभी योग मार्ग में आ रहे हैं, वो तो मध्याश्रित है। और विदेश में रहने वाले तो सब जगह में घूम के निर्गति जब होते हैं यहाँ ही आना चाहिए, वो तो अंतिमाश्रित है। इसलिए हमारी ऋषि परंपरा आद्याश्रयण परंपरा है और हमारा मानव भारतीय परंपरा तो मध्याश्रयण परंपरा है। और भारत छोड़ के बाकी सब देश में अभी मलेशिया में योग का अभ्यास के लिए उन्हें प्रारंभ किए हैं। और बहुत लोग मुसलमान लोग वहाँ मिडिल ईस्ट से, जो वो दूर प्राग देश से, बहुत वो तो मुसलमान है जो सब बहुत अभिनिवेश ग्रस्त है, जो अध्यवसाय ग्रस्त है, वो लोग इसको बहुत निराकार किए हैं, बहुत झगड़ा किए हैं। योग का अभ्यास तो भारतीय कलाचार है और हमारा तुरुष का आचार में, इस्लाम का आचार में वो नहीं है, इसलिए उसको मना करना है, ये सब बहुत उन्हें उसका प्रकटन किए हैं। और सब कुछ विचार करके वहाँ जो मुसलमान है वो ही ऐसा बताए कि वो सब करने से हमको शांति मिल रही है, वो सब करने से हमारी कर्म शक्ति बढ़ रही है, इसलिए हम करना चाहिए। इसलिए बहुत कुछ सोच के वहाँ का न्यायालय में भी वो जाके बहुत विचारों के बाद ये उससे निर्णय हुआ है कि योगाभ्यास तो सब लोग कर सकते हैं लेकिन वो देवता का आराधन, मंत्रों का उच्चारण, नहीं तो वो चित्र का पूजा, वो सब छोड़ के केवल वो अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा न्यायालय का अभी निरूपण हो चुका है, अभी 6 महीने के पहले। इसलिए अंतिम आश्रयन में सब लोग, जो कुछ भी हो उनकी संस्कृति और उनका आचार, ये सब कहाँ आना चाहिए? यहाँ ही आना चाहिए। इसलिए योग आचार में, शास्त्र परंपरा में हम बहुत कुछ प्राप्त किए। शास्त्र परंपरा मैंने क्या, भगवान ने सब हमारा अनुग्रह ये भूमि के ऊपर रखा है। धातु, सब धातु कहाँ रखा हुआ है? भूमि। भूमि में जो रखा हुआ है वो सब कहाँ रुका हुआ है? वो सब भूमि का गर्भ से, वो स्थावर में। और वहां से माँ का दूध का रूप में बच्चे लोगों को होता है, फिर माँ खाना बना के भी खिलाती है, इसलिए उसको शास्त्र में बोलते हैं वसुमती। वसुमती मैंने भूमि। और ऊर्जस्वती बोलेंगे तो वो स्थावर, और पयस्वती नहीं तो प्रजावती तो माताजी, ऐसा हमको मिलता है। इसलिए शास्त्र भी ऐसा है, जैसा सब शक्ति भूमि को आके, भूमि से स्थावरों के आके, स्थावरों से हमारी शरीर में स्तनपान का रूप में आके, फिर खाना विभिन्न रूप में जैसा आता है, वैसा ज्ञान भी आधार से आता है, आर्ष पद्धति से आता है, आचार्य पद्धति से आता है। और वेद से जो ज्ञान मिलता है उसको आधार ज्ञान बोलते हैं, और ऋषि जो उनके धर्मशास्त्र में जो मिलता है उसको आर्ष ज्ञान बोलते हैं, वो भी बहुत कठिन है। और हमारे आचार्य के साक्षात सन्निधि में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं आचार्य ज्ञान। इसलिए आधार ज्ञान हमको प्रयोजन नहीं है और आर्ष ज्ञान भी प्रयोजन नहीं है, अभी तो आचार्य ज्ञान से सब कुछ हमको मिलेगा। वो पद्धति तो अभी बहुत उपलब्ध है, 200 साल के पहले आप योग शास्त्र का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वो तो विभिन्न भाषा में, प्रादेशिक भाषा में नहीं थी वो विद्या,
और बोलने वाले नहीं थे, सब लोग ये गूढ़ रहस्य मर्म ये सब बोल के दूर सब लोगों को दूर निकाल देते। इसलिए अभी तो बहुत सामीप वो आके अभी देख रहे हैं, अभी आपको पूछ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं नहीं, पहले तो यदि शिष्य जाके पूछेगा भी वो बोलने वाले नहीं थे, अभी तो खुद वो स्वयं आके ये पढ़िए वो पढ़िए वो अच्छा है, नहीं तो विद्या मर जाएगी हम मर जाते हैं ऐसा कुछ बोल के बहुत लोग घूमते रहते हैं। अभी तो इसके पहला युग में आचार्य एक जगह में थे और शिष्य लोग आचार्य के बारे में घूमते रहते थे, अभी तो शिष्य ही एक जगह में ऐसा प्रतिष्ठित है, विग्रह जैसा घर कमरे से बाहर आने के भी तैयार नहीं है शिष्य है, उसका उसका कमरे में उसका उसकी कुर्सी में वो प्रतिष्ठित है, पंचलोक विग्रह जैसा प्रतिष्ठित है और आचार्य उसको ढूंढ के पढ़ाने के लिए वह यहाँ वहाँ जाने पड़ेगा। इसलिए ये सब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अभी बहुत सुलभ उपाय है, इसलिए उसका उपयोग तो हम करना चाहिए। और योग शास्त्र में हम मैंने बोला कार्य कार्य व्यवस्था बोला, जो करना है और जो नहीं करना है वो सब समझने के लिए शास्त्र ज्ञान चाहिए। वो करने से यदि हम कुछ अकर्तव्य करते हैं और इसका फलभाग्य दुख है, उसका फल ही दुख है और दुख से ही सब कुछ संभव होता है, दुनिया में सब विनाश दुख से ही होता है, इसलिए कार्य कार्य व्यवस्था बहुत मुख्य है। योग से कार्यकार व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी होगी, ज्ञान, इसको क्या बोलते हैं ज्ञान प्रभाव, ज्ञान प्रभाव मैंने क्या क्या ज्ञान प्रभाव, तत्व निर्णय, तत्व का निर्णय, ये तो विषय है ऐसा निर्णय होना चाहिए, ये होगा शायद नहीं होगा उससे पूछना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है वो किताब में ऐसा देखा था, वो सब तत्व निर्णय नहीं है, तत्व का निर्णय होना चाहिए, दृढ़ीकरण होना चाहिए, तत्व निर्णय, हमारा खुद तत्व निर्णय मात्र नहीं, दूसरे वालों को तत्व का प्रकटन प्रस्थापन हम करना चाहिए, उसके लिए सिद्धांत ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम समझने के लिए तत्व निर्णय, दूसरों को वो दिखाने के लिए सिद्धांत ज्ञान, और जो सो रहे हैं उसका उद्घाटन के लिए प्रबोधन ज्ञान, और जो जानते हैं काम नहीं करते हैं उनको काम करवाने के लिए प्रेरणा ज्ञान, जो जिसका ज्ञान अनादि पाप वासना से मर गया उनको पुनरुद्घाटन करने के लिए प्रज्वलन ज्ञान, ये सब पांच ज्ञान योग से ही हो सकता है, वो मात्र नहीं है, सूचन, सूचन शक्ति, चार प्रकार की शक्ति है, विशिष्ट शक्ति बोलते हैं, सूचन शक्ति, जागरण शक्ति, वारण शक्ति, धारण शक्ति, ये चार योग अभ्यास से ही मिल रहा है। सूचन मैंने ये आदमी सही आदमी है नहीं, अभी ये काम कर सकते हैं नहीं, ये सब तो सूचन है, अपाय के बारे में पहला सूचन हमको मिलना चाहिए अपाय उपाय के बारे में, इसलिए वो तो सूचन शक्ति है। जागरण शक्ति मेरे सब विषय में जानकारी होना चाहिए, इसलिए सब विषय में जानकारी के लिए जागरण, काल वस्तु पुरुष अधिकार कर्म फल के बारे में उस संदर्भों में ये करना या करना कैसे करना कितना करना कब तक करना ये सबका जानकारी तो सूचन ज्ञान है। जो हमको अच्छा नहीं है उससे बाहर जाने के लिए वारण शक्ति होना चाहिए, बहुत रोग है और मंदिर के अंदर वो नहीं चल सकते, मन नहीं लगता है, कोई आदमी है कुछ चित्रपट देखने को चलते हैं, कुछ खेलने के लिए चलते हैं, वहां से बाहर आने के लिए मन नहीं लगता उनको, यहाँ अंदर जाने के लिए मन नहीं लगता है, ये सब उल्टा उल्टा है, कोई कुछ चीजों से बाहर आने के लिए मन नहीं लगता है, कुछ चीजों में जो बहुत योग्य है हमको अत्यावश्यक है वहां तो अंदर जाने के लिए मन नहीं लगता है, इसलिए वारण और धारण शक्ति होना चाहिए। वारण मैंने जो निषेध है उनसे बाहर आने के लिए, जो हमारा उपादेय है उसमें अंदर जाने के लिए तो ये धारण शक्ति होना चाहिए। आवश्यक विषय में अंतर जाने के लिए धारण, अनावश्यक विषयों से बाहर जाने के लिए वारण, यदि वारण शक्ति आपके पास तो आप सब बाहर जाने वाले हैं ना भी परंतु ये तो अत्यावश्यक है, इसके बारे में हम कुछ मंत्र आज बताने वाले हैं। फिर संरक्षणादि न्याय है, क्या बोलते हैं इसको संरक्षणादि न्याय, वो क्या योग शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं, संरक्षण सुरक्षण कर सकते हैं, परिवर्तन आनयन दहन परित्राण, षट शक्ति बोलते हैं इसको, षट शक्ति धीरे धीरे बोलना है, धीरे बोलना चाहिए क्या, ठीक है, संरक्षण सुरक्षण परिवर्तन आनयन, ये एक आदमी तो जल्दी लिख सकता है, उनसे सब लोग देखे लिख सकते हैं, अरे बचपन में देखे देखे लिखे अभ्यास हुआ ना परीक्षा में, आगे 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 जो बैठे उनको देखे देखे लिखे है ना, आनयन
परिवर्तन आनयन दहन परित्राण संरक्षण मैंने जो योग शास्त्र में प्रतिष्ठित है उसका ये दो काम तो करना पड़ेगा, संरक्षण और सुरक्षण। ये तो हम एक परिहास रूप में भी बता सकते हैं, आपसे योग शास्त्र को बचाने के लिए एक होना चाहिए, हाँ दोनों भी होना चाहिए ना, योग शास्त्र का संरक्षण भी करना चाहिए। सुरक्षण मैंने जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसका अनुष्ठान को देखना, उसका अनुष्ठान को संभालना, वो तो सुरक्षण है। वो पद्धति को संभालना तो संरक्षण है। यदि आप योग का परिपालन जानते हैं, योग को बचाने के लिए जानते हैं, योग को बढ़ाने के लिए जानते हैं, योग में जो जो विरोधी है उनको निकालने के लिए आप चाहते हैं, वो तो संरक्षण है। योग का संरक्षण करना चाहिए और हम अनुष्ठान करते हैं और हमारा आंतरिक वैरी होगा और बाह्य वैरी कोई बंधु का रूप में होगा और हमारा निर्बंध का रूप में यदि पैसा के बारे में, बीमारी के बारे में, बहुत कुछ तो हो रहा है ना। ये सबसे विमुक्ति होने के लिए सुरक्षण योगाभ्यास जो करने वाला है, इसलिए मैंने एक उपन्यास में मैंने बोला यदि आपके पास सिर्फ 5 बिंदुओं की शक्ति है और मूल मंत्र के लिए आपको 100 बिंदुओं की शक्ति चाहिए, सिर्फ 5 बिंदु है अभी आपके पास, इसको क्या कर सकते हैं। इसलिए वो 5 बिंदु से जो शक्ति हम ले सकते हैं उतना मंत्र हम बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं, लघु दीक्षा बोलते हैं। लघु दीक्षा मैंने उसका जीर्ण शक्ति का योग्य है जितने हैं वो अर्हता के अनुसार मंत्र देना। मंत्र के अनुसार अर्हता तो जल्दी 1-2 दिन में नहीं बढ़ा सकते, इसलिए अर्हता के अनुसार मंत्र देना। फिर वो 5 बिंदुओं से वो मंत्र का पारायण और अनुष्ठान पूजा करने वाला की शक्ति बढ़ेगी, वो 10-15 हो जाएगा, फिर उससे तो 25, फिर उससे 50, फिर 70-80, फिर ऐसा तो 100 तक मिलेगा। 1-2-3 श्रेणी में वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए मंत्र का अभ्यास अभी हम जहाँ से हैं वहाँ तो भी कर सकते हैं। इसलिए पहले हमारी खुद रक्षण होना चाहिए। खुद रक्षण मैंने जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसको तकलीफ नहीं आना चाहिए। तकलीफ हमसे भी होगा और बाहर जो आदमी है उनसे भी होगा, वो नहीं आना चाहिए। और संरक्षण मैंने जो जो योग हम बोलते हैं ना, पहले राष्ट्र से प्राप्ति लेना है। हम तो बचपन में राष्ट्र से विद्या, उद्योग, अन्न दान पान सब किससे लेना है, राष्ट्र से लेना है। और खुद हमारी स्थिति में प्रतिष्ठित होने के बाद राष्ट्र का पालन हम करना, राष्ट्र को देखना चाहिए। इसलिए पहले तो सुरक्षण योग में हम बढ़ाने के लिए होना चाहिए और योग में बढ़ाने के बाद योग का गौरव, योग संप्रदाय का जो गौरव और पूजनीयता को दुनिया में प्रतिष्ठित करना है, उसमें जो जो विकृति लोग हैं, दूषक लोग हैं, वो दूषक सब लोगों को विदूषक बनना चाहिए। इसके लिए हमको ये संरक्षण की शक्ति तो बहुत अत्यावश्यक है। जो जो दूषक है उसको क्या बनाना, विदूषक बनाना। इसलिए योग का संरक्षण के लिए संरक्षण और खुद हमारा परिपालन के लिए सुरक्षण, ये 3। और परिवर्तन, जो योग में शंका पीड़ित है, जो योग से अपूर्ण है योग में और जो योग में अतृप्त है, उनको योग मार्ग में लेके आना तो परिवर्तन है। और जो योग मार्ग से बहुत दूर है वैदेशिक लोग जैसा, उनको भी पास लेके आना आनयन है। और जो दुनिया में योग संप्रदाय का, सत संप्रदाय का दुश्मन है, उनको निराकार करना, विनाश करना दहन शक्ति है। और जो दुनिया का बहुत बड़ा अपाय है, दुनिया का अपाय है, ऐसा आतंकवाद, भयंकरवाद, अनुस्फोट, ये सब दुनिया का अपाय है, वो सबका परिपालन करना, तो वो सबका विमोचन के लिए काम करना तो परित्राण। इसलिए आपका उन्नति और आपको बढ़ाने के लिए सुरक्षण, योग शास्त्र की अभिवृद्धि के लिए संरक्षण, दूसरे वालों को भी मार्ग दिखा के उनका मन में जो शंका है, आशंका है, वो सब निकालने के लिए परिवर्तन। और जो बहुत दूर है उनका भी पास लेके हमारा आलिंगन में, परिश्रम में ज्ञान देना, वो तो आनयन। और जो बहुत विरोधी है, दुनिया का कल्याण का विरोधी है, उनको हमारी शक्ति से, संकल्प से, दूर से उनका दहन करना तो दहन है। और सब दुनिया का, केवल हमारा परिपालन, योग का परिपालन नहीं, सब दुनिया में जो विचार हो रहा है आज युवागणों के बारे में बहुत विचार हो रहा है, युवागणों के बारे में बहुत विचार हो रहा है, वो अनैतिक रूप में, वो अन्याय मार्ग में चल रहे हैं, आतंकवाद तो हो रहा है। और दुनिया में जो जो रस धातु है वो सब तो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी कम हो रही है, कश्मीर दूषित है और वातावरण बहुत दूषित है, ये सब दुनिया का विचार है।
ये दुनिया का विचार से योगाभ्यास में ध्यान में बहुत कुछ कर सकते हैं जो ये विज्ञानी लोग करोड़ करोड़ों का रुपये से नहीं कर सकते हैं, यंत्रों से नहीं कर सकते हैं। हम हमारा भाव से, हमारी निष्कलंक निर्मल मन की वृत्ति से सब लोग मिलकर ये कर सकते हैं। ये तो परित्राण, इतनी शक्ति है योग मार्ग में। ये सबका उपाय हम बोलने वाले, सबका मंत्र बोलने वाले, एक एक किताब होगा उतना समाचार है हमारे शास्त्र में। ये सब योग का लक्षण है। फिर कैसे ये कर सकते हैं? चिंतादि, इसको बोलते हैं चिंतादि। चिंता से कर सकते हैं, संघ से कर सकते हैं, बोधन से कर सकते हैं, बहुत कुछ उपाय में कर सकते हैं ना। चिंता, मैंने एक आदमी को नहीं बोल सकते क्योंकि वो बहुत दूर होगा, नहीं तो दुश्मन होगा। दुश्मन को कैसे बोल सकते हैं, दूर आदमी को कैसे बोल सकते हैं, इसलिए चिंता से कर सकते हैं। संघ, मैंने उनके पास जाके मिल के कर सकते हैं। बोधन में इनका प्रक्रिया सब दिखा के मार्गदर्शन से वो कर सकते हैं। प्रदर्शन, मैंने हमारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो वो डर के हमको सुनेगा, कर सकते हैं। कोई आदमी को दंड से ही हम सुना सकते हैं। इसलिए चिंता पद्धति, संघ पद्धति, बोधन पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, दंड पद्धति। एक आदमी ने, एक बहुत बड़ा संत थे, एक जगह में मद्य शराब उसकी बिक्री वहाँ हुई। वो आदमी क्या किया, बहुत बड़ा संत है, वहाँ जाके वो क्या किया, एक भांड में वो मध्य का पान किया। और एक आदमी ने देखा इतना बड़ा संत वो पी रहा है ना, हम भी पी लेंगे, ऐसा वो तो पी लिए। इसके बाद कुछ और एक जगह को वो गए थे, वहाँ तो ये सब ये लोह का भांड बनाने वाला, तो वो लोह का द्रवीकरण किए थे। द्रवीकरण जानते हैं ना, मेल्टिंग ऑफ आयरन, वो कैस्टिंग के बारे में वो काम करने वाले हैं। इसलिए वो द्रवीकरण की पद्धति में वो साधन में रख के वो लोह के डाल के वो जो द्रवीभूत है उसका वो आकार है ना, मोल्ड, वो आकार में वो तो डाल के वो काम किए। ये संत ने वहाँ जाके जो वो द्रवीभूत लोह है उसको ऐसा पी लिया, ऐसा मध को पिया। वो प्रदर्शन देख के वो आदमी बहुत डर गए। इसलिए और एक दूसरी कहानी भी हम सुने, सदाशिव ब्रह्मेंद्र नामे एक बहुत बड़े संत थे, उन्हें क्या किया, उनके पास बहुत लोग, उनके पास बहुत विरोधी थे वो गांव में। इसलिए वो मार्ग में चलने के समय में एक आदमी चाकू से वो जाने के समय वो ऐसा गा के भगवान का स्मरण पर बहुत निमग्न है ऐसा वो गए थे। फिर एक आदमी चाकू से काट लिया इसका भाव को, इसलिए हाथ को काट लिया। वो आदमी कुछ भी नहीं, उसका दर्द का प्रदर्शन नहीं किया, कुछ भी चिंतन नहीं किया, कुछ भी देखे भी नहीं, वो ऐसे ही गा के आगे चले थे। और ये आदमी डर गया, अरे उनको रोना लगी और उनको डर लगी, जिसको उनको जो जिसको काट लिया उनको जो 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 विकार होना है शरीर में और मन में, वो सब विकार जो काटा था उनको हो गया। इसलिए वो डर के उन्हें बोला, स्वामी जी माफ़ कीजिए, अरे वो देखे कौन हो तुम, क्या ये क्या है, हाथ में रख क्या रखे, किसकी हाथ है आपका, ये हम अभी ले लिए प्रसाद घर से, ठीक है वहाँ ही रख लो चल जाओ, परवा नहीं, माफ़ कीजिए परवा नहीं, रख लो चल जाओ। वो तो ऐसा रखे थे, फिर ऐसा अभिन्न रूप हो गया वो तो आदमी, ऐसा नहीं बोलते। इसलिए ये तो प्रदर्शन बोलते हैं, जिसमें दंड नहीं दिए वो महात्मा। ये दोनों कहानी में दंड नहीं दिए ना, महात्मा लोग दंड दे सकते हैं, महात्मा लोग दंड दे सकते हैं। बहुत बड़े महात्मा लोग प्रदर्शन से ही दंड देते हैं। हम कितने बड़े हैं वो दिखाने के समय में तुम कितने छोटे हो वो सब मालूम हो जाएगा, उससे बड़े दंड क्या होना चाहिए आपको। इसलिए ये प्रदर्शन दंड ये सब योग का कल्याण ही है। इसलिए योग शास्त्र हमको अवश्य है, योग खुद हमारे लिए कर सकते हैं, इसको आत्म बोलते हैं। हमारे आदमी लोगों के लिए कर सकते हैं, दूसरा आदमी जो योग में नहीं आता है उनके बारे में भी कर सकते हैं। यदि योग में एक आदमी नहीं आ रहा है उनके बारे में हम कर सकते हैं, वो तो आवरण की कल्याण के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए हम कर सकते हैं। इसलिए बंधु के लिए, हमारा आवरण के लिए, आवरण में नहीं ये प्रपंच के लिए कर सकते हैं। आत्मा आवरण बंधु, जो हम हैं हम तो आत्मा है, हमारे संबंधित जो है वो बंधु, हमारा जगत संबंध जो जो है वो सब आवरण, सबके लिए कर सकते हैं। अभी इसमें त्रैविद्य जानना चाहिए, अष्टांग योग बोलते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि में त्रैविद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रैविद्य। त्रैविद्य मैंने आसन प्राणायाम ध्यान, ये तीन तो बहुत सुपरिचित है दुनिया में और प्रबल है ना, सब लोग ये तीन जानते हैं। यम नियम बोलेंगे तो अरे यम कौन है, वो आता है ना वो महेश के ऊपर, वो क्या है ऐसा पूछ लेंगे, वो तो उतना परिचय नहीं है। सबको परिचय, सब जो कर रहे हैं वो तो तीन ही है, एक तो आसन, दूसरा तो प्राणायाम और तीसरा तो ध्यान, ये सब तो है। और योग क्यों कर रहे हैं, योग का कल्याण और हमारे शरीर में जो परिणाम होता है वो क्या है, बहुत बड़ा रहस्य है ये। पहला कारण तो बहुत अच्छा कारण है,
देहांतर वासना शेष विनाश, देहांतर वासना शेष विनाश। इसके पहले मनुष्य तो बहुत बड़ा जानवर, बहुत असंख्यात पक्षी जानवर कृमि कीड़ों आदि जन्मों में प्रवृत्त होकर यहाँ आया है, उसका वासना शेष यहाँ होगा, जिससे पुनः वो जन्म प्राप्ति होने के लिए तो कुछ संदर्भ है। जो इस जन्म के पहले बहुत जानवर पशु पक्षी कृमि कीटादि रूपों में वो तो इसके पहले थे, जिसलिए अभी वो गुण का प्रकटन भी होगा और गुण का प्रकटन और भाव का प्रदर्शन से पुनः वही जन्म प्राप्त करने के लिए वो सौभाग्य मिलेगा शायद। इसलिए वो सबसे विमुक्ति होने के लिए योगाभ्यास में माँ जरासन, शशासन, श्रृंगासन, मृगासन, ऐसा सब पक्षी पशु आदि रूपों का विकार करने से वो शरीर प्रतिष्ठा से वो सब देहांतर वासना शेष विनाश हो सकता है। वो जिसको नहीं हुआ वो सबके ऊपर वो जानवरों का गुण कुछ कुछ होगा, जिससे वो गुण बढ़ा के फिर भी वो जानवर का देह संपत्ति हमको मिल सकती है। वो सबसे विमुक्ति होने के लिए, दूर होने के लिए देहांतर वासना शेष विनाश ऐसा समझने से ही हमको बहुत कल्याण होगा। लेकिन ग्रंथों में परंपरा में ये सब नहीं सिखाते हैं। और दूसरा तो सर्वभूत दया, दुनिया में जितने वस्तु है वो सबका रूप हम लेंगे तो वो सबके ऊपर दया हो जाएगी। मृग का रूप, धनुष का रूप, पंचभूत का रूप, ये सब दुनिया में एक एक वस्तु का आसन में बैठ के हम ध्यान करेंगे तो वो वस्तुओं का प्रातिनिध्य हमारे अंतर्गत होगा, जिसलिए वो परस्पर संबंध का ज्ञान हुआ। परस्पर संबंध का ज्ञान प्राप्त करने से हमको अवश्य सबके ऊपर दया और प्रेम और स्नेह भाव हो सकता है। इसलिए सर्वभूत दया, सब अनुष्ठान, सब का अनुष्ठान और शरीर चेष्टा का प्रदर्शन नहीं तो प्रतिकरण, इमिटेशन, वो करने से हमको क्या मिल सकता है? सर्वभूत दया। तीसरा, मानव संपत्ति, ऐसा सब कुछ निकालने के बाद ही वो पूर्ण मानव है। इसके पहले तो पूर्ण मानव नहीं था, इसलिए मानव संपत्ति। मानव संपत्ति मिलने के बाद दिव्य अनुकूल संपत्ति, यदि भगवान हमारे ऊपर कुछ अनुग्रह करना चाहता है, यदि कुछ ऋषियों हमको अनुग्रह देता है, ऋषियों का अनुग्रह तो है हमारे पास, हमारे लिए इंतजार कर रहा है, और हमारा पितरों का अनुचरण और अनुकार और आचरण जितने उन्होंने अच्छे किए वो सब भी हमारा इंतजार में है, लेकिन वो अंदर जाके अभी फल रूप में नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी अर्हता हमारे पास नहीं है। मानव संपत्ति होने के बाद ये सब निकाल के हमारी मानवता को साफ करने के बाद हमको दिव्य अनुकूल प्रवृष्टि हो सकता है। जितना भगवान करना चाहता था, जितने इसके पहले किया लेकिन निष्फल हुआ, जितने हमारा पूर्वज लोग, हमारा पितृ लोग और आचार्य लोग, ऋषि लोग जितना प्रसाद हमको दिए हैं वो सब निष्फल हुआ, अर्धफल हुआ, अफल हुआ, वो सब हमारे इंतजार में जितने हुआ अभी ये साफ करने सबका परिपूर्ण फल हमको मिल जाएगा। इसलिए दिव्य अनुकूल प्रवृष्टि ही, और क्या मिलेगा? मैत्री सिद्धि। मैत्री मैंने, यदि एक आदमी का योग का अभ्यास है जिसमें वो दिव्य है, सब दिव्य मनुष्य लोक, यदि वो तो भूलोक में है नहीं तो स्वर्लोक में है, वो सब आकर्षित होंगे, बहुत लोगों की मैत्री होगी। यदि आपके पास आत्म का दिव्य स्वभाव का सुगंध है, सब कुछ अच्छे संत लोग का परिचय होगा, आप लोग उनको देख सकते हैं, नहीं तो वो लोग खुद आपको देखने के लिए ढूंढ के वो आ जाएंगे। इसलिए मैत्री मैंने, सब दुनिया में अच्छे अच्छे शक्ति है, वो सब अच्छी शक्ति है, अच्छे संत हैं, अच्छे पुरुष, वो सब हमारे लिए हमारे पास आ जाएंगे। वो आकर्षण शक्ति को क्या बोलते हैं? मैत्री। और भगवान को हम देख सकते हैं, भगवान के पास मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो सब तो सिद्धि है। इसलिए देहांतर वासना शेष विनाश के लिए और सर्वभूत दया को बढ़ाने के लिए, मानव संपत्ति के लिए, दिव्यानुकूल प्रवृष्टि के लिए, मैत्री और सिद्धि के लिए योगासन करना चाहिए। ये सब योग का लक्षण है, इसके लिए तो हम योग कर रहे हैं, योग करना चाहिए। परंतु ये सब तो शास्त्र का बहुत सूक्ष्म है, इसके लिए क्या करना चाहिए? दीक्षा लेना चाहिए। इच्छा से नहीं कर सकते, इच्छा दीक्षा, केवल मन में चिंतन करना इच्छा है, वो प्राप्त करने के लिए काम भी करना दीक्षा है। योग्यता से इसको इच्छुक होना तो दीक्षा है, केवल इच्छा मात्र होने से खाली बर्तन तो इच्छा है, और बर्तन में दूध मिलके दे देंगे तो केवल दूध को नहीं ले सकते, एक बर्तन चाहिए, हाथ या बर्तन चाहिए, और केवल हाथ को नहीं पी सकते, इसमें तो समाचार होना चाहिए। इसलिए बर्तन तो इच्छा है लेकिन विषय तो दीक्षा है, दीक्षा के बिना केवल इच्छा से कुछ भी काम नहीं होगा। दीक्षा से क्या हो सकता है?
क्यों दीक्षा करना चाहिए, दीक्षा में क्या हो रहा है। दीक्षा में ये हो रहा है पक्व ज्ञान और पक्व भाव। आचार्य ने दो काम कर रहा है, एक हाथ में वो विषय है, एक हाथ में शिष्य है। विषय तो बहुत बड़ा है, शिष्य तो बहुत छोटा है। शिष्य तो 10 है और विषय तो 100 है। इसलिए आचार्य ने दो काम भी कर रहा है, जिससे 100 में जो प्रतिष्ठित है वो विषय को 50 को लेके आता है और 10 में जो शिष्य है उनको 50 को ऊपर लेके आता है। इसलिए विषय ज्ञान को सुलभीकरण, सरलीकरण, सुलभीकरण ऐसा एक व्याख्यान में मैंने बताया भंडरगार इंस्टीट्यूट में, ऐसा एक विषय को सरल रूप में, सुलभ रूप में, मृदु रूप में, मधुर रूप में वो आचार्य ने नीचे लेके आता है। नीचे जो बिठा हुआ है, बहुत नीचे बिठा हुआ है जो शिष्य, उनको ऊपर लेके आके उनको ये समान स्थान देके उनका पोषण करा है, ज्ञान पोषण करा है। वो पद्धति को हम क्या बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा व्यक्ति से हो सकता है, एक मंत्र से हो सकता है, मंत्र पद्धति बोलते हैं, और व्यक्ति पद्धति बोलते हैं, बहुत पूज्य पद्धति बोलते हैं। एक आदमी को देख सकते हैं और भगवान के ऊपर बहुत भक्ति और स्मृति का प्रदर्शन से कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण से कर सकते हैं, क्रिया ऐसा हवन आदि प्रक्रिया में कर सकते हैं, बहुत कुछ पद्धति है। अभी ये सब कुछ आधार स्तंभभूतक ज्ञान है। अभी हम आज का शिक्षण के लिए पंचस्थान बोलते हैं। पंचस्थान का लक्षण यह है कि पांच मूल स्तंभभूत और मूलात्मक प्रक्रिया का प्रदर्शन अभी हम करने वाले हैं। पंच आसन, पंच प्राणायाम और पंच ध्यान, ये बोल के हम समापन कर देंगे। आसन के बारे में हम इसका अत्युक्त नहीं बोलते हैं कि हजार कालक्षेप, हजार भाषण दे सकते हैं आसन के बारे में, हजार, सिर्फ संख्या बोलने के लिए हम नहीं बोलते, हजार हम बोल सकते हैं, ऐसा आपको निरूपण कर सकते हैं। वो निरूपण करने के लिए हजार भाषण नहीं आवश्यक होना चाहिए, वो दो तीन शब्दों में बोल सकते हैं। अभी हम बोल रहे हैं पंच आसन तो मूल आसन है, इसको हम बोलते हैं समान आसन, पद्मासन, वज्रासन, शवासन और शांति आसन और कुथ पद्मासन, इसको पंचासन बोलते हैं। समान आसन जानते हैं, जो आसन पर आप सब बैठे हैं अभी वो तो समान आसन है, और वज्रासन जानते हैं, तो वज्रासन में बैठने वाले भी हैं, और पद्मासन सब लोग जानते हैं, और शांति आसन तो सब जानते हैं, रोज तो कर रहे हैं ना सोने के समय में शांति आसन, वो तो शांति आसन है। और फिर कुथ पद्मासन पहले मैंने दिखाया पहला कक्ष में, वो भी आप करना चाहिए। ये सब ये आसन में बैठने के समय में क्या हो रहा है, इसके लिए बोलते हैं षड विकार। क्या बोलते हैं, षड विकार, उद्घाटन, ये सब कृपा कर लिखिए सब लोग, उद्घाटन, भ्रमण, प्रवाह, बंद, मोचन, ये पांच हो रहा है ये आसन में बैठने के समय में। आप एक आसन के बैठने के समय में वो आसन से एक निर्बंध है, इसको बोलते हैं स्पर्श संग, स्पर्श, स्पर्शाकर, स्पर्श बल, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन, प्रेशर। एक पोजीशन में बैठने के समय में, एक स्थान में स्थिर रूप में बैठने के समय में हमको कुछ जगहों में शरीर की कुछ प्रदेशों में उसका स्पर्श होता है, दीर्घ स्पर्श होता है, मूल या आघात स्पर्श होता है। वो होने के समय में उद्घाटन, जो ऐसा बद्धता, कुछ चक्र, कुछ नाड़ी, जो ऐसा बद्धता उसका उद्घाटन होगा ऐसा बैठने के समय में। और ऐसा बैठने के समय ये आप जानते हैं कि ऐसा ये पंखा की खेल है, ये सब हम भी बाजार बाहर भी बेचते हैं ना ऐसा, इसलिए ऐसा आप करेंगे तो फिर वो पंखा ऐसा भ्रमण करेगा, ये सब बच्चे लोग खेलते हैं ना, इसलिए शरीर में इतना चक्र है वो सब अचल है। एक आसन पर बैठने से वो छल हो सकता है, जो अचल चक्र है ऐसा रूप में वो तो भ्रमण हो सकता है, वो तो भ्रमण वो हो रहा है। प्रवाह, जो खंडित है, जो निरोधित है, वो शक्ति एक प्रवाह एक रूप में बैठने से वो प्रवाह हो सकता है। इसलिए शक्ति का प्रवाह, चक्र का भ्रमण, नाड़ी का उद्घाटन, और हमारा पाप कर्मा से, शरीर कश्मल से, मन का कश्मल से, बुद्धि का कश्मल से बहुत नाड़ियों में दुर्गंध हो सकता है, औषधि होता रहता है, वो उसको निकलना चाहिए ना। आप क्या कर रहे हैं, जो निकलना है उसको सुरक्षित रखते रहते हैं, और जिसको बढ़ाना है वो बाहर छोड़ के उसको अंदर आना नहीं देते।
इसलिए बंद मैंने बंद मोचन जो हमारी सशक्ति है वो सशक्ति से स्खलन नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? स्थगन और स्खलन बोलते हैं। जो हमको चाहिए वो स्खलन में चल जाता है और जो हमको नहीं चाहिए वो तो स्थगन है अभी। इसलिए जो नहीं चाहिए उसको निकलना है, जो चाहिए उसको नहीं निकलना है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए बंद शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पुण्य जितने किए हैं, जितना जब प्रार्थना अच्छा काम किए हैं, वो सब का नाड़ी को बंद करना चाहिए। बंद नहीं किए तो जितने सत्कर्म किए वो सब बाहर निकल जाएगा। और जितना हम अनृत से अनृत असत्य अनुष्ठान अकर्तव्य मोह वंचक द्रोह लोभ अपचार जितना हमने असंख्यात पाप किए हैं, वो पाप का जो वासना शेष है उसको निकालने के लिए मोचन होना चाहिए। इसलिए यहाँ हमारा जो दक्षिण चक्र बोलते हैं, इसको दक्षिण वृत्ति बोलते हैं, दक्षिण वृत्ति में इसको मोचन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। वाम वृत्ति में इसका मोचन होना चाहिए। इसलिए हमको जो चाहिए उसको बंधित रखना है, हमको जो नहीं चाहिए वो रोज इसको खोलना चाहिए। ये एक आसन का रूप में बैठने से ही चक्र का भ्रमण होता है, नाड़ी का उद्घाटन होता है और जो स्थगित है वो शक्ति का प्रवाह होता है। जो हमसे बाहर जाना चाहिए उसका विमोचन होता है, जो हमसे ही रहना चाहिए उसका बंद होता है। ये पांच को आसन का लक्षण है। और सिर्फ ये मात्र नहीं है, ये आसन से जो जो अभी मिल रहे हैं अभी तो हम बोलने वाले हैं, ये केवल इससे भी नहीं है। इससे क्या क्या विकार होता है शरीर में ये जानना चाहिए। दूसरा लिख लीजिए, इसको क्रिया बोलते हैं। वो क्रिया से क्या क्या विकार होता है अंदर, श्राव द्रवीकरण वातोद्भव, ऐसा तीन होता है। आसन में बैठने के समय में नई नई शक्ति का उत्पादन होता है, इसको बोलते हैं श्राव। जो दृढ़ है आप जानते हैं ठंडा मौसम में नारियल का तेल कैसे लगेगा, कैसे दिखेगा। जैसा वातावरण दोष से जिससे हम काम करना चाहते हैं, जो हमको द्रव रूप में चाहिए ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को धरण और प्रयोग बोलते हैं, धरण और प्रयोग बोलते हैं। इसलिए यदि आप किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के समय में वो द्रव, स्मृति का रूप में वो दृढ़, फिर परीक्षा लिखने के समय वो द्रव होना चाहिए। यदि परीक्षा लिखने के समय में परीक्षा सभा में वो तो दृढ़ है और अंदर रखने के समय द्रव, ऐसे कुछ भी काम नहीं होगा, उल्टा ही होगा ना। ऐसा हम बोलते हैं कुछ द्रव होना चाहिए, वो तो द्रवीभूत, और कुछ तो हवा जैसा होना चाहिए जिससे बहुत काम होगा, उसको वातोद्भव बोलते हैं। इसलिए हमारे शरीर में नया नया शक्तियों का उत्पादन के लिए श्राव शक्ति है, और जो दृढ़ है जो बद्धित है उसको सरल करने के लिए तो द्रवीभूत शक्ति है, और जो बहुत कुछ दृढ़ीभूत नहीं तो द्रवीभूत है जिसको काम करने के लिए हवा जैसा करना चाहिए उसको वातोद्भव बोलते हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंतर्गत शक्ति को यथा प्रयोग, उसका परिवर्तन के लिए परिणाम के लिए ये योग आसन से ये वो काम हो रहा है। और तीन प्रकार है, वो तीसरा विषय लिखेंगे। ऐसा षट विकार मैंने बोला, षट विषय संग्रह। तीसरा विषय है प्रकरण विकरण उपकरण। ये काम करने के समय में जो शक्ति चाहिए वो शक्ति को उपकरण बोलते हैं, और पूजा और हमारा अभ्यास का समय में जो शक्ति चाहिए वो तो प्रकरण। जहां हम प्रयोग करते हैं वहां वो शक्ति का नाम तो उपकरण, जहां हम अभ्यास करते हैं वहां का शक्ति का नाम प्रकरण। और परिपूर्ण हमारे शरीर में जो शक्ति अत्यावश्यक है निरंतर, वो शक्ति के बोलते हैं विकरण। हमारा शक्ति, वो शक्ति हमारा स्वतः स्वभाव निरुपाधिक होना चाहिए। इसलिए हमारी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक शक्ति को हम विकरण बोलते हैं। अभ्यास का समय में वो प्रकरण होगा और प्रयोग का समय में वो उपकरण होगा। और शरीर में तीन स्थान है वो भी लिखिए, इसको बोलते हैं संधि ग्रंथि नाभि। क्या बोलते हैं? संधि ग्रंथि नाभि। जहाँ एक दो नाड़ी, एक दो चक्र, एक दो शक्ति जहाँ मिलन होता है उसको संधि बोलते हैं। जहाँ दो नाड़ी नहीं तो दो तीन नाड़ी मिलके एक तीसरी शक्ति का नहीं तो एक चतुर्थ शक्ति का उत्पादन करता है उसको हम ग्रंथि बोलते हैं। जहाँ असंख्यात अगण्य शक्तियों का आधार एक ही स्थान में हो रहा है वहां को नाभि बोलते हैं। 10-15 सबका मेलन, आजकल तो हब बोलते हैं ना, इसलिए वो तो वो मेलन को क्या बोलते हैं, नाभि।
इसलिए दोनों का मिलन को संधि, दोनों मिलके तीसरी गति में जाने के लिए ग्रंथि, बहुत कुछ विषयों का संकलन के लिए नाभि, ये सब हमारा शरीर के अंतर्गत। आज तक हम प्रमाण करके बोलेंगे संधि ग्रंथि की नाभि के बारे में ये षट्चक्रवादियों को जानकारी ही नहीं है आज तक, और आर्जव से दिल से ही बोलना चाहिए, इसलिए ये सब इसका लक्षण है। और एक रहस्य भी है, इसको अनन्वय अन्वय सान्वय बोलते हैं, तीव्र मध्यम अंत्य बोलते हैं, ये सब बहुत, इसलिए मैंने बोला हजार भाषण में ये आसन के बारे में हम दे सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उतना जानते हैं, इसका अर्थ यह है कि उतना है वो विद्या नहीं। आप पांव नीचे रखे बैठ सकते हैं, नहीं आप तो अभी कष्टासन में बैठ रहे हैं। नहीं नहीं, जितना आसन है योग शास्त्र में बता दिया है, उससे अलावा दो आसन है, एक तो हमारा इष्टासन और इनका कष्टासन। इष्टासन मेरा इष्टासन, ये दोनों तो किताब में आप जितने भी देखिए वो नहीं मिलेगा। अनन्वय अन्वय सान्वय, ये एक समाचार हम बताते हैं। पहले ये समानासन के बारे में बताते हैं, हम ऐसा बैठ रहे हैं ना, ऐसा बैठने के समय में आप बोलना चाहिए कहां कहां संधि होती है, कहां कहां संधि होती है, यहां आप बैठते हैं ना, जान के बताइए कहां कहां है। वेर यू गेट द टेंशन, वेर यू गेट द फ्रिक्शन, वेर यू गेट द प्रेशर, कहां स्पर्श होता है, कहां संसर्ग होता है, कहां स्नेह होता है। यहाँ तो पहला संसर्ग यहाँ होता है, फिर स्पर्श यहाँ होता है, ये दोनों को हम अन्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्वय बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं उसको अन्वय बोलते हैं। ये समानासन में बैठने से यहाँ कुछ विकार होता है, संसर्ग नहीं है, लेकिन यहां देख लीजिए तो होता है, इसलिए इसको हम अन्वय बोलते हैं। फिर सान्वय, ऐसा बैठ के शास्त्र में हमारा शरीर रचना में ऐसा है कि यदि एक आदमी यहां कुछ दीर्घ करके यहां कुछ स्थिरता से यहां ऐसे रख के इसके ऊपर संसर्ग दीर्घ रूप में ऐसा करेगा, इसमें मास प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास प्लेसमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ, मास मैंने गुरुत्व, संस्कृत में इसको गुरुत्व बोलते हैं, गुरुत्व आरोपण मैंने मास प्लेसमेंट, पुटिंग अ वेट ऑन दैट, मेकिंग अ प्रेशर ऑन दैट, है सब कुछ आसन में है, अभी इसको दिखा रहे हैं। यहां बैठने से प्रथम स्थान तो ये है, स्थान का विकार होता है, आंतरिक विकार, इसका बाह्य विकार तो कुछ भी नहीं है, आंतरिक विकार होता है, फिर यहां तो स्पर्श होता है, फिर आपका गुरुत्व का आरोपण के बाद संसर्ग होता है, समझ रही है? ये संसर्ग होने के समय तक वो तो अन्वय, यहां ऐसा होने के बाद ये सब होने से ऐसा एक नियम है कि यहां एक आंतरिक विकार और स्पर्श और गुरुत्व आदान के बाद मेरुदंड का नीचे में, नीचे स्थान में, यहां मेरुदंड के नीचे स्थान में मेधामणि नाम में एक चिन्ह है, एक शंख है, वो शंख का द्वार ऐसा हम सामान्यतया बैठने के समय में आते जाते सोने के समय में ये समय में वो नहीं खोलता है, इसको मेधामणि बोलते हैं। और योगशास्त्र में कुछ लोगों को परिचय होगा, इसको मनोमणि बोलते हैं, इसको मेधामणि बोलते हैं, इसलिए बहुत कुछ स्थान है। मेधामणि ऐसा एक शंख है, शंख मैंने शंख सदृश एक तत्व है, वो तो तत्व का उद्घाटन होगा, वो उद्घाटन होने के बाद उसके अंतर्गत स्वतः सिद्ध श्रावण है, एक शक्ति है, वो शक्ति को क्या बोलते हैं? धरणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरणी बोलते हैं। वो शक्ति जो दृढ़ है, ऐसा कुछ ये गुरुत्व का आरोपण करने से वातोद्भव, मैंने बोला ना, वो वात का रूप में यहाँ सीधा जाके यहाँ चल जाएगा। फिर ये सब क्या बोलते हैं? सान्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सान्वय। ये सब अन्वय करने से इसका अन्वय भी होगा, लेकिन सीधा इसका अन्वय तो नहीं होगा, इसको कोई भी नहीं खोल सकते हैं।
इसको कोई भी नहीं खोल सकते। ये मेरुदंड का जो मेधामणि है उसको नहीं खोल सकते, और धरणी का वातोद्भव कोई भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको सान्वय बोलते हैं। सान्वय मैंने अन्वय से संबंधित अन्वय, ये अन्वय से वो आता है, इसलिए वो सान्वय। ये होने के बाद यहाँ एक है, इसको मुकुल पद्म बोलते हैं। मुकुल पद्म का विकास होगा, इसको अनन्वय बोलते हैं। अनन्वय मैंने जो बहुत दूर है, बहुत सूक्ष्म है। ये करने से और ये गति है, इसको धी गति बोलते हैं। आज्ञा चक्र के अंतर्गत है वो। आज्ञा चक्र से मुकुल पद्म तक ये गति है, जिसको हम धी गति बोल सकते हैं। धी गति मैंने जो गति में हम बहुत विषयों की जानकारी ले सकते हैं, बहुत विषयों की स्मृति कर सकते हैं, बहुत विषय में नूतन नूतन आविष्करण कर सकते हैं। इसलिए वो सब तो क्या बोलते हैं, जानकारी होने के लिए प्रज्ञा है, जानकारी को रखने के लिए स्मृति है, स्मृति से नया नया विषय निकालने के लिए प्रतिभा, ऐसा हमारे शास्त्र में बताते हैं बड़े लोग। वो सब जहाँ पर आता है वो रास्ता को हम बोलते हैं धी गति। इसलिए हमारे शास्त्र में नीचे समान आसन में बैठ के पढ़ाई करने का वो अभ्यास पहले किए थे। विदेश में वो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, मौसम से और वातावरण से उनका अभ्यास वो नहीं कर सकते, इसलिए वो तो ऊपर बैठ के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा पढ़ाई में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम एक सामान्य विषय को बताते हैं, जिसमें एक आंतरिक विहार और एक स्पर्श, स्पर्श में गुरुत्व आरोपण और गुरुत्व उपादान, जिस पर आपको संसर्ग भी होता है, जिसमें एक वस्तु का उद्घाटन, उससे वातोद्भव होता है, वातोद्भव से और एक गति का, एक मार्ग का मोचन होता है, और इसका उद्घाटन से शक्ति का प्रवाह भी हो सकता है, जिसमें ज्ञान शक्ति बहुत विषयों की जानकारी के लिए रखने के लिए और नूतन उत्पत्ति के लिए आविष्करण के लिए इनोवेटिव बोलते हैं। नूतन आविष्कार को आजकल इनोवेटिव बोलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, वो तो हमारे अंतर्गत है ना। नूतन उत्पादन कहाँ से आएगा, ये तो खिड़की से आएगा, द्वार से आएगा, क्या हमारे अंतर्गत ही है। इसलिए योग शास्त्र तो ऐसा नहीं है, लेकिन चित्रपट के साथ हम हमारा पाठ्यक्रम में ये ले आना चाहते हैं। एक एक काम करने से कहाँ कहाँ स्थूल विकार होता है, कहाँ कहाँ सूक्ष्म विकार होता है, कहाँ कहाँ अपरिच्छेद्य विकार होता है, बहुत सूक्ष्मतम विकार होता है शरीर में, जिससे गतियों का मैंने बोला उद्घाटन होता है, भ्रमण होता है, प्रवाह होता है, भंग होता है, विमोचन होता है, प्रकरण हो सकता है, विकरण हो सकता है, उपकरण हो सकता है, संधि है, ग्रंथि है और नाभि है, द्रवोत्पत्ति हो सकती है द्रवीकरण से, और वातोद्भव हो सकता है, श्राव हो सकता है, और शरीर में मैंने बोला अन्वय के बारे में, सान्वय के बारे में, अनन्वय के बारे में, इसमें तीव्र हो सकता है, मध्य हो सकता है, मंद हो सकता है। जो हम बैठ के कर रहे हैं, जो हम बैठ के कर रहे हैं वो गति तो मंद गति है, वो गति तो मंद गति। हम बहुत देर बैठ के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे चलने वाली गति है, इसलिए मंद गति। हमारे अंदर जो हो रहा है मुकुल पद्म मैंने बोला, उस तक वो गति तो मध्य गति, और उससे मैंने बोला जो गति है अभी अनन्वय में वो तो तीव्र गति है। इसलिए वो पहले शुरू करने के समय में धीरे धीरे, फिर मध्य स्वर में जाएगा, फिर तो बहुत तीव्र रूप में जाएगा, ये तीन गति है। इसलिए हम बहुत देर ये करते हैं, ये करने के लिए बहुत देर बैठना चाहिए, ध्यान के लिए बहुत देर करना चाहिए, लेकिन वो अंतर शक्ति काम करने के लिए एक क्षणार्ध में वो शक्ति हमको मिल जाएगी। इसलिए ये सब योग का रहस्य है, योग का रहस्य बोलेंगे तो ये तो ही रहस्य है, और जो जो किताब में देख रहे हैं वो सब हास्य है, रहस्य नहीं है। और अभी बोलेंगे पंचासन के बारे में बोला, आसन का लक्षण में बोला, अभी पंच प्राणायाम के बारे में कुछ बोलेंगे। प्राणायाम में बहुत विषय का विचार है हमको, हम बहुत विषय में बहुत आक्षेपक ही हैं। एक तो ओंकार उच्चारण विचार लिखिए, ओंकार उच्चारण विचार, मात्रा विचार, उसमें श्रुति पद्धति और योग पद्धति का विचार, अक्षर विच्छेद का विकार, अक्षर विच्छेद न्याय बोलते हैं इसका, अक्षर विच्छेद और अजबा विचार और हंसोच्चारण विचार, अंतर्नाद विचार, प्राणनाद विचार, दिव्यनाद विचार, ये सब प्राणायाम में आता है। वो ओंकार सब लोग बोल सकते हैं या नहीं? अरे बोल, सब लोग बोल सकते हैं, मुंह है ना, बोल सकते हैं, बोल तो नहीं है। ओंकार बोलने के लिए ये एक लक्षण है, एक अनुष्ठान है। अरे सिर्फ ओम बोलने से क्या, सब कुछ हाँ बोल सकते हैं नहीं? एक आदमी आपको 1000 रुपये पूछ रहा है, हाँ बोल सकते हैं नहीं? हाँ तो बोल सकते हैं, लेकिन कौन बोलना चाहिए? पैसा देने के लिए जो तैयार है वो बोलना चाहिए ना।
सिर्फ बोलने में क्या होता है, हाँ सब कुछ को भी हाँ बोल सकते हैं, ठीक है बोल सकते हैं। एक आदमी पूछ रहा है हम तुमको मारना चाहते हैं, ऐसा एक सिनेमा में मैंने देखा, उसको बार बार हम याद करके हंसने वाले। एक सिनेमा में एक आदमी ऐसा दिखाता चाकू को, नहीं तो पिस्तौल को दिखा के, अभी तुम तो मरने वाले हो, तुमको क्या अंतिम इच्छा, तुमको वो पिस्तौल चाहिए। इसलिए वो तो हम बोलते, लेकिन ओंकार साधन के लिए एक लक्षण है, ओंकार साधन के लक्षण सब कुछ सुनने के बाद आप विचार करना चाहिए, वो ओंकार हम बोल देंगे अभी यदि हमारे युक्त एक मंत्र को हम लेंगे, नहीं तो ओंकार का स्वरूपानुरूप अर्हता हमसे बढ़ाएंगे, वो सब आप बोलना चाहिए, उसके बारे में एक विचार हम करेंगे। फिर ओंकार उच्चारण विचार, ओंकार की शक्ति के बिना, ओंकार के बिना योगाभ्यास तो संभव है, क्योंकि ओंकार शब्द से मूर्छना से मात्र प्रतिष्ठित नहीं है, एक अंतर्नाद भी है, इसलिए ओंकार का प्रयोग तो अवश्य नहीं है। और ओंकार के लक्षण के बिना, जानकर के बिना ओंकार करना तो अपचार भी है और निग्रह भी हो सकता है आत्मकल्याण का, इसलिए ओंकार में लक्षण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा तो ओंकार मात्र का विचार, वेद में ऐसा बता दिया ओंकार तो मात्रा त्रय त्रिमात्रा बोला, इसलिए तीन मात्रा तक ओंकार का उच्चारण का अधिकार है। ओम ऐसा दिन भर बोलते रहते हैं, ये 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, इसलिए आकार बोल सकते हैं, आ बोल सकते हैं, ओम नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि वो तो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए 3 मात्रा से अधिक नहीं बोलना है, ऐसा वेद में एक नियम है। योग में भी, योग शास्त्र में पतंजलि ने बोला तस्य वाचक प्रणव, भगवान का वाचक प्रणव है, भगवान का उपाय है, नहीं तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रणव को उपाय का रूप में भगवान पतंजलि ने नहीं बताया, सिर्फ वाचक का रूप में, प्रतिपादन का रूप में उन्हें बताया, इसलिए उसके बारे में एक दिन बैठ के हम अलग विचार करेंगे, ये पंच प्राणायाम के बारे में अलग विचार करेंगे। अभी तीसरा तो अक्षर विच्छेद, कोई आदमी अकार से पूरक रहचे कुंभ भक्तो, अकार से उकार से मकार से करने वाले, उसके बारे में भी हम विचार करना है, और बहुत कुछ अभी विचारणीय विषय है। पहला तो अक्षर विच्छेद मैंने बोला वो कर सकते हैं नहीं, और हंस से कर सकते हैं नहीं, हंस सोहम सोहम ये बोल के करना तो प्राचीन संप्रदाय है, प्राणायाम में ओंकार नहीं था तब, सोहम सोहम सा मैंने परमात्मा, अहम मैंने जीवात्मा, ये दोनों की संधि तो योग है, वो योग तो सकार और अहंकार से होता है, इसलिए वो बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, इसलिए उसको हम सब पद्धति बोलते हैं, लिख लीजिए। और अजबा पद्धति है, क्या बोलते हैं इसको, अजबा पद्धति, अरे तुम क्यों सो बोलते हो, हम बोलते हो, क्यों बोलते हो, वो तो आते जाते रहता है, तुम नहीं समझते हो ना, तेरा श्वास का भाषा ही यही है, तुम श्वास कर रहे हो, तुम समझते हो उससे ऐसा जा रहा है, प्रश्वास और निश्वास हमसे जो आते जाते रहता है वो तो वास्तविक रूप में, स्वाभाविक रूप में तुम बोलने के बिना सो सो हम ऐसा ही हो तो बोलते रहते हो, तुम तो नहीं सुन पाते हो, इसलिए वो तो अजबा पद्धति है। और अंतर्नाद पद्धति है, आपका दिल में एक नाद है, वो नाद को आप सुनना चाहिए, आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे तो वो कैसे आप सुन सकते हैं है? एक आदमी ऐसा बोल रहा है जैसे कल एन एस रामस्वामी जी ने मंत्र का उच्चारण किया है और पुरस्कार के लिए कैसे बुला सकते थे, ऐसा एक अंतर्नाद का श्रवण के समय में दूसरा कुछ आप बताएंगे तो क्या सुन सकते हैं, इसलिए उसको अंतर्नाद बोलते हैं, आत्मा का नाद। दूसरा तो प्राणनाद बोलते हैं, प्राण में ही एक नाद है, जैसा वीणा की तंथी में नाद है, जैसा एक वेणु एक मुरली का द्वार में नाद है, ऐसा एक मुर का भंग और स्पर्श का निनाद है, वैसा ही प्राण में ही एक नाद हो सकता है, वो तो आजपा नहीं है, सोहम नहीं है, प्राण का नाद तो प्राणनाद ही है, इसलिए उसको सुनना चाहिए, तो प्राणनाद पद्धति। ये सबके बारे में आपको सिलेबस होगा, एक साल तक हमारे भारती पटेकर जो हमारा शिष्य है, पहला शिष्य है, वो एक ही शिष्य है, वो एक साल तक हमारा शिष्य रहेगा तो ये कर सकते हैं। हमको इतना ऐसा नहीं है कि 15 आदमी चाहिए, 500 आदमी से 5,000, ऐसा नहीं है, 2 आदमी बैठेंगे तो भी ऐसा ही हम बोल सकते, हम आत्मा को देखने वाले, संख्या को देखने वाले नहीं है, इसलिए एक साल तक कोई आदमी एक भाड़गा के लिए एक शिष्य बना के हमारे साथ रखेंगे तो एक साल भाड़गा के लिए असली शिष्य भी नहीं चाहिए, एक साल भाड़गा के लिए यदि एक शिष्य एक विषय में मिल जाएगा उससे बहुत कुछ आश्चर्य हम कर सकते हैं, ये तो आत्म प्रशंसा नहीं है, अहंकारवाद भी नहीं है। और 5 प्राणायाम अभी हम बताते हैं, ये सब जो बताए वो तो प्राचीन है, हम जो अभी बताते हैं अति प्राचीन है।
शुभाशुभ व्यापार प्रवृत्ति निवृत्ति व्यापार स्वपर व्यापार पूरी तूर्य व्यापार ये सब है। शुभाशुभ व्यापार स्वपर व्यापार प्रवृत्ति निवृत्ति व्यापार पूरी तूर्य व्यापार कायात्म व्यापार ये सब पांच व्यापार का प्राणायाम। प्राणायाम में कलानिधि जी ने अभी पीएचडी करने वाले इसका कोई है अभी कुछ एमए कुछ लिए हैं संस्कृत में योग में विद्यावारिधि के लिए वाचस्पति के लिए कोशिश कर रहा है ये लेके अच्छा है बहुत सुलभ है शक्ति भरित है। आप जो लेते हैं आप समझ के लेना है इसका उपाय हम विस्तार के रूप में और एक बार बताएंगे और एक दिन। जितना शुभ है अहिंसा सत्य दया प्रेम शांति क्षमा ज्ञान दान तप तितिक्षा ये सब शुभ है। इसलिए आप अंदर प्राण लेने के समय में शुभ गुणों का लेना चाहिए शुभ गुणों का आकार और कल्पना से लेना चाहिए। बाहर जो निश्वास करते हैं वो सब अशुभों का निकार निराकरण करना चाहिए। इसको शुभाशुभ व्यापार करते हैं। आप आज से शुरू कीजिए 10 दिन में देख लीजिए कैसा आपका दिल लगेगा। बहुत कुछ विषय की जानकारी पढ़ाई के बिना आपको मिल सकता है। शुभाशुभ व्यापार के लिए प्रश्वास का निश्वास का प्रयोजन और प्रयोग शास्त्र ने बता दिया। जो अंदर जाता है वो तो शुभ बाहर जो रहता है अशुभ। ऐसे रखो ध्यान करो प्राणायाम करो बहुत सुलभ है। दूसरा कुछ हाँ वो बोल देंगे तो वो बहुत दूर है ना हमसे। ये तो बहुत सुलभ है। शुभाशुभ व्यापार स्वपर व्यापार हमारे लिए हमारे कल्याण के लिए हम यहाँ लेते हैं और दूसरे के कल्याण के लिए हम निश्वास देते हैं। ये तो स्वपर व्यापार बोलते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए ये दुनिया में रहने के लिए जो शक्ति है ऐहिक शक्ति वो सब इससे लेते हैं और आमुष्मिक शक्ति हम ऊपर जाने के लिए मोक्ष के लिए जो शक्ति चाहिए वो निवृत्ति वो निश्वास से लेते हैं। कायात्म शक्ति जो हम ले रहे हैं वो शक्ति हमारा आत्मा के लिए और हमारा शरीर व्यापार के लिए जो निश्वास है उसके लिए। और बहुत अच्छा प्रकार है पूर्य पूरित शक्ति व्यापार। हम जो शक्ति लेते हैं वो हमारी शक्ति है। हम बाहर से प्रापंचिक शक्ति कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं ना वो वैश्विक शक्ति को हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं पूरित शक्ति। और फिर क्या करना है एक आदमी से दूध लेते हैं बर्तन देते हैं वो आदमी दूध देता है फिर वो दूध को हमारे बर्तन में डाल देते हैं फिर दूध चाहिए तो वो खाली करके फिर दे देंगे ना। ऐसा ही पूरी शक्ति को हम लेते हैं जो पूर्ण हो गया वो शक्ति का बर्तन को फिर बाहर भेज देते हैं वो पूर्ण होने के लिए वो तो पूरी शक्ति है। शक्ति को लेते हैं वो शक्ति का बर्तन तो श्वास है वो श्वास को बाहर भेज देते हैं जिसके लिए और फिर शक्ति इसको लेके फिर होने के लिए। इसलिए जो अंतर जाता है वो तो पूरित है और जो बाहर जाता है वो तो पूर्य है इसके बाद इसका पूर्ण होना चाहिए फिर इसको वो पूरी शक्ति को लेना चाहिए। इसलिए लेने के लिए हम देते हैं जो दिए हैं वो लेने के बाद हम ले लेते हैं। ये तो पूर्य पूर्य और पूरित शक्ति व्यापार बोलते हैं इसको। ये तो पंच प्राणायाम का बहुत बड़ा एक चीज शास्त्र में बता दिया। और ध्यान के बारे में एक बोलना चाहते हैं। आप सब जानते हैं योग शास्त्र का प्रारंभ ही यम नियम है अहिंसा और अस्थेय और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य होना चाहिए। बहुत कल्याण गुणों का प्रकल्पना वहाँ उन्हें दे दी है। और शास्त्र में एक दोष आता है तार्किक दोष है इसको बोलते हैं तर्कशास्त्र में अन्योन्याश्रय दोष। यदि एक आदमी के पास ध्यान नहीं है तो ध्यान शक्ति नहीं है तो वो आदमी को अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का अभ्यास नहीं होगा। ध्यान के बिना यम नियम नहीं होगा परंतु यम नियम के बिना ध्यान को वो नहीं चल सकता है। ये तो अन्योन्याश्रय है। अरे तुम ध्यान नहीं करते हो तो अहिंसा का गुण नहीं आएगा। यदि अहिंसा गुण तेरे ऊपर नहीं है तो तेरे अंदर तुमको ध्यान नहीं मिलेगा। ध्यान के बिना अहिंसा नहीं अहिंसा के बिना ध्यान नहीं मिल सकता है कैसे उसको समझ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ध्यान में दो प्रकार का ज्ञान है। यह ज्ञान तो प्रारंभिक ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान बोलते हैं। दूसरा तो प्रतिष्ठित ध्यान बोलते हैं जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब करने के बाद जिसका दिल बहुत प्रतिष्ठित है उसका ध्यान तो वहां आता है वो तो प्रतिष्ठित ध्यान। और प्रारंभ में कुछ न कुछ ध्यान करके जो करता है वो तो प्रारंभिक ज्ञान वो भी ज्ञान है ये भी ध्यान है। और ये ध्यान तो प्रारंभिक बहुत छोटा सा ज्ञान है। आपको पैसा चाहिए तो बैंक से पैसा चाहिए तो बैंक को कुछ पैसा देना पड़ेगा
अरे क्या वो पैसा, हम तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा पूछने के लिए वहां गए, वो भी पूछ रहे मैंने, इसका अर्थ क्या है? बहुत पैसा आपको चाहिए, वो पैसा लेने के लिए कुछ पैसा देना चाहिए। इसलिए वो मूल ध्यान और वो विशिष्ट प्रतिष्ठित ध्यान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ ध्यान की शक्ति आवश्यक है। वो ध्यान आपको मिल सकता है आचार्य से, आहार से, सत अनुष्ठान से और सत्संग से आपको मिल सकता है। जो प्रारंभिक ध्यान के लिए चाहिए वो हम ले सकते हैं, वो ध्यान से ही करना चाहिए। ये ध्यान और वो ध्यान का क्या क्या फर्क है, क्या फायदा है, इसमें शास्त्र में बोलते हैं चार व्यत्यास है, इसमें चार व्यावृत्ति है, चार भेद है। ये तो यत्र सिद्ध है, वो तो स्वतः सिद्ध है। वो ध्यान है, आप तो जान सकते हैं कि वो प्रारंभिक ज्ञान है, प्रतिष्ठित ज्ञान आप जान सकते हैं, वो ध्यान आपका ध्यान से ही जान सकते हैं। यदि आप यत्न करना पड़ेगा, वो तो प्रारंभिक है, यत्न के बिना जब चाहिए वो खुद आ जाएगा, वो तो यत्र सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध है, वो तो वो ध्यान। ये तो विच्छिन्न है, ये तो दीर्घ है, लिखिए प्रारंभिक और प्रतिष्ठित। ये तो यत्न सिद्ध, वो तो स्वतः सिद्ध, ये तो विच्छिन्न, विच्छिन्न मैंने ऐसा दीर्घ नहीं होगा, कभी कभी आएगा, कभी कभी छोड़ के चल जाएगा, ये तो विच्छिन्न है। और वो तो विच्छिन्न नहीं है, अविच्छिन्न दीर्घ है, इसमें केवल इच्छा मात्र होगा, उसमें तो संकल्प होगा, जिसमें इच्छा मात्र रहेगी उसको हम प्रारंभिक बोलते हैं, जिसमें संकल्प है, केवल इच्छा नहीं है, केवल इच्छा नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यदि एक पिस्टल है उसको इच्छा बोलते हैं, इसमें इसके अंदर गोली भी है उसको संकल्प बोलेंगे। और इसमें अभीप्सा, इसमें क्या मिलेगा, अभीप्सा मिलेगा, अभीप्सा मैंने हम चाहते हैं उसको, चाहते हैं उसको, देखना चाहते हैं, ऐसा हमारी त्वरा मिलेगा, लेकिन वो ध्यान में अनुभूति मिलेगी। भगवान के पास सिर्फ इच्छा मात्र बढ़ेगी प्रारंभ ध्यान में, भगवान की अनुभूति बढ़ेगी वो ध्यान में। ये चार भेद नहीं दिशा है, इसको भेद चतुष्टय बोलते हैं, प्रारंभिक ध्यान, प्रतिष्ठित ध्यान, भेद चतुष्टय बोलते हैं। इसमें भी पांच प्रकार का ध्यान हम कर सकते हैं, इसमें भी पांच प्रकार का ध्यान कर सकते हैं, मंडल ध्यान, विग्रह ध्यान, गुणाकर ध्यान, मान्य ध्यान, शून्य ध्यान। मंडल मैंने रश्मि का मंडल, द्युति, शब्द, ये सब मंडल का ध्यान, ये सब दीप्ति को अर्चन करना, ध्यान करना, ये सब प्रकाश को करना, एक वर्ण को ध्यान करना, ये सब तो मंडल। और विग्रह का ध्यान, भगवान का रूप का ध्यान करना, वो तो एक विग्रह। गुणाकर सत्य, धर्म, शांति, सौभाग्य, क्षमा, ये सब गुणों का परिकल्पन, इसको हम गुणाकर बोलते हैं। जो हमारा साक्षात अनुभूति में जिसको हम परिचय से देख लिए और जिसके पास हम मिले थे, इसलिए हमारा चक्षुर्गम्य जो जो हमारे आसपास में रहने वाले जो बहुत बड़े लोग हैं और हमारा चरित्र पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष, चरित्र पुरुष, चक्षु पुरुष, तीन लोग हैं। इसलिए जो बहुत बहुत हजार लाखों साल के पहले रहते थे वो सब तो पुराण पुरुष, जो अभी अभी सिर्फ 200-300 साल के पहले जो जो रहते थे वो सब चरित्र पुरुष, जो हमारे सामने रहते हैं वो तो चक्षु पुरुष, वो तीनों तो मान्य है। इसलिए यदि वो चक्षु पुरुष हो गो, नहीं तो एक चरित्र पुरुष हो, नहीं तो एक पुराण पुरुष हो, एक मान्य को स्मरण करना। और निर्विकल्प ध्यान तो शून्य ध्यान बोलते हैं, कुछ भी चिंतन नहीं करना, ऐसा ही बैठो, ऐसा बहुत लोग नहीं कर सकते, इसलिए शून्य ध्यान हमारे लिए नहीं है, इसलिए ये पांच प्रकार का ध्यान है। और इसमें तो चतुरंग उपाय बोलते हैं, चतुरंग उपाय मैंने एक आदमी नहीं तो एक व्यक्ति का दर्शन नहीं तो उनका स्मरण करने के समय बहुत कुछ दर्शन करना चाहिए, वो तो समंत्र या आमंत्र, शास्त्र में ये प्रश्न आया था, यदि ऐसा ध्यान करने के समय में समंत्र करना है, आमंत्र करना है, कर सकते हैं समंत्र मंत्र कर सकते हैं, है? तुम पैदल में जाते हो वो तो तेरा स्वयत्न है, पैदल में जाते हो वो तो तेरा स्वयत्न है, और एक घोड़ा की गाड़ी में चलते हो वो तो शास्त्र का अभ्यास से प्रयत्न है, पहले तो अकेला प्रयत्न तो पैदल में जाना, कुछ शास्त्र साधन तपस्या में करना घोड़ा की गाड़ी है,
अभी यो यांत्रिक गाड़ी है, आधुनिक गाड़ी है, उसमें चलना तो एक आचार्य के पास सामने जाना, वो तो एक तांत्रिक गाड़ी है, और उसमें एक मंत्र को पकड़ के आचार्य का शरण पकड़ के करना, वो गाड़ी भी तुम नहीं चलाती हो, एक आदमी चलाता है, तुम पीछे सो के सब सुरक्षा रूप में आते हो। इसलिए समंत्र अमंत्र करने में उनका जो योग्यता है, अभिप्राय, वो सब देख के करना चाहिए। समंत्र तो अच्छा है, लेकिन समंत्र में बहुत ध्यान होना चाहिए। जो व्यक्ति का दर्शन कृष्ण योगेश्वर का ध्यान आप करते हैं, उनका रूप का स्मरण करना चाहिए, उनका रूप का विभाग का स्मरण करना चाहिए। रूप का विभाग स्मरण मैंने कैसा, रूप का विभाग का स्मरण, आकर आयुध आभरण दिव्य वस्त्रायुध शेष, शास्त्र में बोलते हैं बहुत कुछ है भगवान के ऊपर। इसलिए भगवान का विभाग का स्मरण बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुभूति करने के समय में वो बहुत मीठी है, और फिर वो बहुत सुलभ हो सकता है। भगवान का दिव्य ललाट, दिव्य पलक, दिव्य केशल, दिव्य कुंडल, दिव्य भ्रू, दिव्य नेत्र द्वय, दिव्य नाशिका, दिव्य हास्य, दिव्य दंत पंक्ति, दिव्य ओष्ठ, दिव्य रसन, दिव्य चुम्रक, दिव्य कपोल, दिव्य कर्ण, दिव्य ग्रीव, दिव्य कंठ, दिव्य स्थन, दिव्य वक्ष, दिव्य बाहु, दिव्य कर, दिव्य भुज, दिव्य अंगुलीय, दिव्य नग, दिव्य वक्ष, दिव्य कक्षि, दिव्य कुक्षि, दिव्य पार्श्व, दिव्य जानु, दिव्य ऊरु, दिव्य पाद, दिव्य पदाब्ज, दिव्य पदांगुलीय, दिव्य पदनक। ये तो भगवान का आकार का चिंतन है। और शंख चक्र परसी हसि यीशु शूल पाश अंकुश बिभ्राण वज्र गेड हल मुसल गदा कुंद, ये सब भगवान का आयुध है। और भगवान का क्रीट कर्ण कुंडल मकर कुंडल नरायुधमाला पंचायुधमाला वैजयंती वनमाला तार्क्ष्यमाला सुविधमाला स्वर्ण यज्ञोपवीत करकटक भुजभंगी मेखला कांची नूपुर घटिबंधन घटिसूत्र, ये सब भगवान का दिव्य आभरण है। ये सब भगवान का स्मरण करना विभाग का स्मरण है। भगवान का आकार और भगवान का दिव्य विभाग, भगवान का विषय है, भगवान तुम हमारा जनक हो, तुम हमारा नायक हो, हमारे पति हो, ये सब तो विषय का चिंतन है। विषय का चिंतन भी आना चाहिए और वाचक भी आना चाहिए, वाचक मैंने वचन भी बोलना चाहिए। इसलिए ये चार प्रकार एक ही समय में आना चाहिए। जैसे एक आदमी चतुर्गति, ये गाड़ी के चलने के समय में वो गाड़ी को नियंत्रण करने के लिए एक्सेलरेटर है, रोकने के लिए ब्रेक है, और इसका वेग परिवर्तन के लिए क्लच है ना, और इसको चलाने के लिए दिक, चलाने के लिए दिक निर्णय के लिए तो स्टीयरिंग है। इसे एक आदमी को योग गति में विग्रह ध्यान में वो भगवान का मूर्ति का स्मरण होना है, वो दिव्य मूर्त का जितना विभाग है उसका स्मरण आना है। उनके बारे में बोलने के लिए विषय भी आना चाहिए, वचन भी आना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा ध्यान है, और सिर्फ योगेश्वर ध्यान केंद्र को वो भाग्य मिला है। और भटकर ने गुस्सा तो हो सकता है, वो ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन भी पढ़ेगा, नहीं हमसे दूसरे पढ़ने में हमको नहीं है। बहुत बहुत भगीरथ प्रयत्न से ये त्रिशक्ता तो आ चुकी है अभी नहीं। यदि एक आदमी को करने से कुछ आदमी को हम मार्ग दिखाएंगे तो उनका कल्याण होगा, कुछ लोगों को दिखाने से दुनिया का कल्याण होगा। इसलिए एक भटकर से ही पढ़ेकर आया था, एक पढ़ेकर से कितने लोग को यह ज्ञान मिल रहा है देखिए। और 10 साल के बाद 15 साल के बाद हमारा अभाव में बहुत लोगों का कल्याण होगा शायद। हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग कल्याण के लिए ये आत्मस्पर्श से ही आता है, सिर्फ नौकरी का अभ्यास से नहीं आता है। इसलिए इसको कल्याण होगा। इसलिए ये लोग बहुत करेंगे तो इनसे बहुत लोगों का कल्याण मिल सकता है। हमको ये चाहिए आदमी उनका मार्ग में, हम हमारे मार्ग में किसी को भी नहीं बुलाते हैं। अरे तेरा मार्ग क्या है, तुम क्या करते हो, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसमें तुम अच्छा करने के लिए हम बस सिखाते हैं, ले लो तुम पाकशास्त्र। इसलिए हम दूसरे वालों को ये करो वो पढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। यदि ये सांगणिक तंत्र में है उनको वो तंत्र में, यदि तुम व्यापार में हो तुमको व्यापार में, यदि प्रशिक्षण पद्धति में प्रशिक्षण, योग में योग, मंत्र में मंत्र, वैद्य में वैद्य, जो जितना मार्ग, जो मार्ग में वो जितना जाना चाहते हैं उस मार्ग में हम उनको बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए हम कोशिश करने वाले, मार्ग दिखाने वाले। इसलिए ये चतुरंग उपाय बहुत अत्यावश्यक है। अभी हम ये बोलना चाहते हैं, एक अंतिम समापन विषय है बोलने के लिए, योग शास्त्र भगवान का निरूपण है। योग शास्त्र नहीं है तो एक श्रुति है, एक ब्रह्म नहीं तो परमात्मा है, एक सत्य है, एक धर्म है, और इससे मोक्ष है। सब निरूपण के लिए षडंग सहयोग भगवान ने दिए, मंत्र शास्त्र, वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र। जो दिल को बहुत संतुष्ट रखने के लिए, दिल को बहुत संतुष्ट रखने के लिए और
दैविक सुख सौभाग्य संतोष की अनुभूति के लिए संगीत आदि शास्त्र और काल जानकारी से काम बराबर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र। जो हमारा दृष्ट वैरी है, अंतर्गत वैरी, उसको निकालने के लिए आयुर्वेद शास्त्र। जो सूक्ष्म वैरी है वो सब निकालने के लिए मंत्र शास्त्र। और दुनिया में जिसके लिए जन्म दिए है उसको काम करने के लिए योग शास्त्र, ये काम करके छोड़ के उनको पहुंचने के लिए, अन्य लोगों को पहुंचाने के लिए वेदांत शास्त्र। ये सब षडंग सहयोग है। ये छह नहीं है तो भगवान को कोई भी नहीं विश्वास करेगा। इसलिए भगवान के लिए ये शास्त्र तो आया, हमारे लिए नहीं है। हम सब समझते हैं योग हमारे लिए, केवल हमारे लिए नहीं है। ये शास्त्र नहीं है तो भगवान ही नहीं है। अरे कौन जानता है? यदि एक भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, वो भगवान होने में, रहने में और नहीं रहने में क्या फायदा है, क्या फर्क है? इसलिए योग शास्त्र तो भगवान का मर्मनाडी है, भगवान का दिव्य संकल्प का विकास है, परिणाम है। इसलिए सब समझ रहे हैं। अभी तो बहुत लोग देख रहे हैं मच्छर जैसा, मच्छर भी बहुत कम है। योगाचार्य और योग शिक्षण केंद्र तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आसन भी नहीं जानने वाला, आसन मात्र जानने वाला। आसन जानते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। आसन जानते हैं, अपार्थ बोलते हैं। ऐसा बहुत कुछ लोग हैं। इसलिए हम सबको अधिकार देने वाला नहीं हूँ, सबको निराकार करने वाला नहीं हूँ, सबको निरोध करने वाला, निषेध करने वाला नहीं हूँ। वो हम नहीं कर सकते, करना भी नहीं जानते। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि ये तो सत्य मार्ग है। हम ये बोलना नहीं चाहते वो असत्य है। वो तो खुद मालूम पड़ेगा, वो आदमी का भी बुद्धि परिवर्तन होगा। एक सत्य मार्ग का यथा विधि पूर्वक हमारा सत संप्रदाय का योग दर्शन का लोक कल्याण के लिए प्रकटन दुनिया में होना चाहिए। उसका मार्गदर्शन में हम भी एक छोटा साधन है भगवान का दिव्य संकल्प से। वो सत सफल होने के लिए आपका हमारा हार्दिक मंगलाशासन पुनः एक बार हम निवेदन करके, वितरण करके अभी हम समापन लेते, विराम लेते। नारायण नारायण, नारायण।